उतारो लक्ष्मी जीवारो घर उतारो आज मेरे प्रभु घर आवे आज मेरे प्रभु घर बजाओ सब मिलके आज मेरे प्रभु घर आवे आज मेरे प्रभु घर आज मेरे प्रभु घर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनोहरिः। सर्वप्रथम भागवत जी का हम और आप सभी लोग पूजन करेंगे। जो यजमान परिवार हैं विप्रो से निवेदन है उनको आगे कर लें, देख करके जो यजमान बने हैं आज उनको आगे कर लीजिए और बच्चों को पीछा कर दीजिए, बच्चों को पीछे कर दीजिए। तो आप सभी लोग हाथ में फल और पुष्प और भेंट लेकर के भागवत जी का पूजन करेंगे। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोकवेश्रुतम श्रणया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षणं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषायै नमः। चढ़ा दीजिएगा भागवत जी के ऊपर। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भागवत जी के चढ़ाने के पश्चात पुनः आप सभी लोग हाथ में फल और पुष्प और भेंट लेकर के ठाकुर जी का पूजन करिएगा। ठाकुर जी से प्रार्थना करिएगा कि आज भगवत कथा के षष्ठम दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आइए हम सभी लोग ठाकुर जी का पूजन करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट बटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोकितम करतले वेणुं करे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम शुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। अब आप सभी लोग अपनी जो भेंट है वो आप ठाकुर जी को समर्पित कर दें, फिर उसके पश्चात
आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री को एक एक पुष्प दे करके और भेंट स्वरूप में जो आपको देना हो वो आप महाराज श्री को देंगे एक एक करके। जो यजमान परिवार है उनसे निवेदन है, बच्चों से निवेदन है, आप लोग पीछे ही रहें। जो यजमान परिवार है उनको पहले पूजन कर लेने दें, फिर आप लोग पूजन करिएगा। उसके पश्चात विप्रों से निवेदन करूंगा कि आरती की तैयारी कर लें। आप सभी लोग आरती के लिए रेडी हो जाएं। महाराज जी को पुष्प और महाराज जी को भेंट दीजिएगा। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद रारे मुरारे हे नाथ आरती पा वन पूरा
रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंच प्रिय सुजाति आरती दीपा वन मुरारी धर्म भगत ज्ञान खाली वन मुरारी धर्म भगत ज्ञान खाली धर्म जवाबानि जन्मांतरगतानि चातान सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे अतमंत पुष्पांजलि जजेन जजमे जंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातेह नाकं महिमानः सचन्दपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर श्रीराधाकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी से निवेदन है, सभी लोग प्रणाम करके शीघ्रता शीघ्र आप लोग नीचे उतरते रहें। सभी जितने भी भक्त परिवार यजमान परिवार हैं उन सभी से निवेदन है आप सभी लोग पहले प्रणाम कर लें फिर दूसरी ओर से जाएंगे। सभी ब्राह्मणों को टीका करने आप उधर हैं तो आप उधर ही करिए। बाकी सभी से निवेदन है आप सभी लोग नीचे उतर जाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि शुभारती टीवी एवं श्री राधे परिवार यूट्यूब चैनल एवं अम्ब्रेला केबल के माध्यम से हम और आप सभी लोग देश ही नहीं बल्कि विदेश में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी जो भी देश ही नहीं बल्कि विदेश में जो लोग भगवत कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी को व्यासपीठ एवं ट्रस्ट परिवार की ओर से राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है स्क्रॉलिंग पर नंबर भी हमारे चल रहे हैं कि 22 मई से 28 मई विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अयोध्या की पावन धरा पर होगा। हर वर्ष पूज्य महाराज श्री एक कथा तीर्थ पर गाते हैं। तो सर्वप्रथम हम सभी लोगों ने 2015 में नैमिषारण्य की पावन धरा पर सर्वप्रथम तीर्थ की कथा को गाया था। उसके बाद वृंदावन, फिर गुजरात द्वारिकापुरी में, बद्रीनाथ में और जगन्नाथपुरी में, इसी तरीके से हर जगह अन्यत्र अन्यत्र तीर्थों पर हम लोगों ने भगवत कथा गाई। अब की बार कोरोना होने के कारण थोड़ा कोरोना का प्रोटोकॉल देखते हुए, वैसे तो रामेश्वरम में विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया था लेकिन उसको कैंसिल करके अयोध्या धाम में विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 22 मई से 28 मई रखा गया है शुभारती टीवी चैनल माध्यम से एवं श्री राधे परिवार यूट्यूब चैनल के माध्यम से एवं अम्ब्रेला केबल टीवी चैनल के माध्यम से जो लोग दर्शन कर रहे हैं। जो लोग अयोध्या की कथा में यजमान बनना चाहते हैं वह हमारे स्क्रॉलिंग पर नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और अयोध्या की कथा में यजमान बन करके तीर्थ की कथा को आप श्रवण कर सकते हैं। यहाँ से आशियाना से कई लोग, कई भक्त परिवार जो कि अयोध्या जाएंगे, आप सभी लोग अधिक जानकारी अगर उस कथा के विषय में चाहिए तो हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उन पर कॉल करें और संपूर्ण जानकारी आप हमारे कार्यालय से ले सकते हैं। आइए अधिक समय नहीं लेंगे, लाइव कथा चल रही है, आइए हम सभी लोग चलते हैं सीधे पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो।
हरिओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला लक्ष्मीनारदाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचि मात पितृ चरण कमले नमः इष्ट देवता नमः कुल देवता स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीराधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः राम हि केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले वो जो जान जानहु अंतर्यामी
अथ सकल सम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण करने वाले करुणालय सरकार श्री राधा रानी महाराणी जी के साथ में विराजित श्री युगल सरकार के पावन श्री चरणों में आज श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान की खष्टम दिवस की पावन प्रवेश वेला में व्यासपीठ से निष्ठ देवता के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम वंदन अभिनंदन। कथा के मुख्य वक्ता से देवार्य देव महादेव जी, कथा के मुख्य रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज,
आप दोनों किसी चरणों में व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम वंदन अभिनंदन। उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी श्रोता महानुभाव, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश में सभी श्रोता भक्तों को आज इस कथा के खष्टम दिवस की पावन प्रवेश वेला में व्यासपीठ से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी श्रोता भक्तजनों को मेरा प्रणाम। तो आइए जिनके सानिध्य में जिनकी गोद में बैठ करके सुंदर दिव्य भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान हम आप कर रहे हैं और अपने मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं, आइए उन्हीं देवाधिदेव महादेव प्रभु से प्रार्थना करें, उनसे कहें कि प्रभु आपकी कृपा सदैव हमें और हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, ग्राम क्षेत्र नगर प्रदेश देश बल्कि सारे विश्व में आपकी कृपा बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। देखिए भगवान उन्हीं की सुनते हैं जो भगवान के सामने दूसरों की बात करते हैं। प्रभु के सामने आप जाएं और अपनी बात करेंगे तो भगवान आपकी बात को नहीं सुनेंगे। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जीवन में हम दूसरों के लिए सोचें, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश देश के लिए सोचें, उसी से कल्याण है। तो आइए भगवान से प्रार्थना करें। रे लोका भेराम रण रंग भीरो राजीव नेत्रम रघुवंश नातम लोका श्री राम दूत श्री
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रेष्ठ भगवत प्रेमी श्रोता महानुभाव, माई बाप भाई बंधु माताओं बहनों नन्हे मुन्हे बच्चों, आज कथा का अष्टम दिवस, दिन तिथि समय महीने वर्ष सब गुजर रहे हैं। हमारा आपका जीवन भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जो वस्तु कम होती है उसको हम बहुत संभाल कर खर्चा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? जो वस्तु कम होती है, मानव जीवन को बहुत कम समझ करके, सतयुग में 1,00,000 वर्ष का जीवन था, त्रेता में 10,000 वर्ष का, द्वापर में 1,000 वर्ष का, और कलयुग में मात्र 100 वर्ष का बचा है। ये जीवन कितना कम है, इसलिए इसे हम बहुत सोच समझ करके जिए, बहुत सोच समझ कर। जरा सा चूक गए साहब, समय बीत पुनिका पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। इसीलिए मानव जीवन को अमूल्य बताया गया है, ये अमूल्य है जीवन।
भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आ करके समाज को बताते हैं कि मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, बचपन कैसे जिए, युवानी कैसे जिए, वानप्रस्थ कैसे जिए और बुढ़ापा कैसे जिए। जीवन में हम ऐसा जिए कि हमें कभी बुढ़ापे का आभास ही ना हो। देखिए शरीर बूढ़ा होता है, मन और इंद्री बूढ़ी नहीं होती है। आंख चाहती है कि हम देखें, कान चाहते हैं कि हम सुने, जबान चाहती है कि हम खाएं, नाक चाहती है कि सुगंध ले, ये सब चलता रहता है। ये असहाय हो जाते हैं और जीवन में पराधीन सपने सुख नहीं। हम अपने जीवन को इतना स्ट्रांग बनाएं, हम अपने जीवन को इतना मजबूत बनाएं कि भगवान न करे कभी हमें परवश होना पड़े, हमें पराधीन होना पड़े। हम जब किसी के सहारे होते तो सामने वाला भी समझता है इनका मेरे अलावा इस संसार में और कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा अपमान है, सबसे बड़ा। और इन चीजों की हम गलती शुरुआत से नहीं करें, ना करें। मैं एक बात कथाओं में बोला करता हूं, बचपन बिगड़ा तो जवानी संभल नहीं पाएगी, बचपन बिगड़ा तो जवानी संभल नहीं पाएगी और जवानी नहीं संभली तो बुढ़ापा पार नहीं हो पाएगा साहब, फिर दिक्कत में आ जाओगे। जीवन प्यारे भक्तों, आप सब लोग भगवत कथा को श्रवण कर रहे हो जिसका कि आज अष्टम दिवस है। आज हम सब लोग बड़े ही धूमधाम के साथ में भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मिणी और आज हम लोग राधा कृष्ण भगवान का भी विवाह यहां पर संपन्न करेंगे। वो विवाह जो स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडीक वन में, ब्रजमंडल में एक भांडीक वन पड़ता है, आज भी वो कदंब का पेड़ है, जिस कदंब के पेड़ के नीचे पहली मुलाकात राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की हुई थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह संपन्न कराया, क्यों? ये तो दोनों समाधि में चले गए, वो प्रेम समाधि लग गई साहब, भक्ति और भगवान। रुक्मिणी जी मां लक्ष्मी की अवतार है तो राधा रानी साक्षात भक्ति की अवतार है, साक्षात भक्ति स्वरूपा है। बिना राधा के हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। दो पूर्ण अवतार हुए हैं और इन दोनों पूर्ण अवतारों में एक एक ऐसा व्यक्ति है भगवान का प्रिय, जिसके बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। राम के जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके बिना हम प्रभु राम तक नहीं पहुंच सकते हैं? बाबा कहते हैं, हरे राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे, अरे हनुमान जी तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा इन पैसारे, 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 होत न आज्ञा इन पैसारे।
अगर राम जी तक पहुंचना है तो उससे पहले हनुमान जी से मिलना पड़ेगा, हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। माँ सीता जी ने तो स्पष्ट कह दिया, राम रसायन तुमरे पास ओ सदा रहो रघुपति के दास। राम रसायन, राम को प्राप्त करने का जो रस है हनुमान जी वो तुम हो। बिना हनुमत रूपी रस के बिना हम राम रस को नहीं प्राप्त कर सकते। तो जैसे हनुमान जी के बिना राम जी नहीं मिलते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण राधा के बिना। प्रभु को भी कहना पड़ा, राधा मेरी स्वामी ओ मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि लीजियो श्री वृंदावन को। प्रभु ने राधा रानी को अपना मालिक कहा है, राधा मेरी स्वामी, वो मेरी मालकिन है, मैं तो उसका चाकर हूं, नौकर हूं। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, महापुरुषों ने गाया है। जीवन में हर व्यक्ति की तरक्की के पीछे कोई ना कोई माध्यम होता है। भगवान कृष्ण के जीवन में राधा और प्रभु राम के जीवन में हनुमान। कल आप लोग गिरिराज जी महाराज की कथा सुन रहे थे। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान की अधिकांशतर जो लीलाएं हैं वो रामा अवतार से जोड़ती हैं भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कई चीजें चाह कर भी हमारे प्रभु राम जी नहीं कर पाए, क्यों? मर्यादा सामने आ जाती है। मर्यादित व्यक्ति का जीवन बहुत कठिन होता है। वो कहो चार कदम चले फिर उसके बाद खड़ा रहे, मर्यादा नहीं लागू करती कि आप आगे बढ़े, क्यों? मर्यादा का मतलब एक सीमा, उस सीमा को लांघ नहीं सकता है। बहुत कुछ प्रभु राम अपने भक्तों के लिए, अपने सेवकों के लिए करना चाहते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते नहीं पूरा कर पाए। लेकिन वादा किया कि द्वापर युग में जब हम कृष्णा उतार लेंगे तो तुम्हारे हर इच्छा को हम पूर्ण करेंगे, क्योंकि उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लीला पुरुषोत्तम, और लीला में सब जायज है। आप लोग लीला देखते हो ना, नाटक नौटंकी देखते हो, रात में राजा रावण बनते हैं और सवेरे खेत में लैया लगावत है, क्यों? लीला है, लीला में सब जायज है। नौकर को राजा बना देते हैं, राजा को नौकर बना देते हैं, भाई लीला है, तो लीला में सब जायज है। इसीलिए हमारे प्रभु लीला पुरुषोत्तम है, लीलाधारी है। देखिए गिरिराज जी की जो कथा है ना, वो भी रामावतार से जोड़ती है। रामा अवतार में जब सेतु का निर्माण होने लगा तो जामंत जी ने नल और नील को इंजीनियर बनाया, बाकी सारे बानर लेबर बने। क्यों? जामंत जी को पता है, नाथ नील नल कपि दो भाई और लरिकाई ऋषि आशीष पाई, इनके परस किए गिरिधारे उतरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। नल और नीलों दोनों को ऋषियों का आशीर्वाद है।
जो भी डालेंगे जल में वो डूबेगा नहीं, तैरेगा, चाहे लोहा डाले चाहे पत्थर डाले, ये आशीर्वाद है। तो नल नील इंजीनियर बने, बाकी सारे बानर लेबर बने, सब चल दिए। प्रभु ने सबसे कहा कि भाई जल्दी से सेतु का निर्माण करो, तो हनुमान जी और अंगद जी भी चल दिए। जामुन ने कहा तुम रुको, वापस आए, क्या बात है? जामंत जी ने कहा तुम लोग दूर दूर से बड़े बड़े पहाड़ लेकर के आओगे, क्यों? हनुमान जी ने पूछा क्यों? तो जामंत जी ने कहा वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे शरीर में ताकत बहुत है, बल बहुत है, अतुलित बलधाम, स्वर्ण सैलाभ देह, धनुज बन किसानु, केवल नाम सुनते ही हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनिश्चर भाजे। लिखा पढ़ी मैंने, इतना नाम हनुमान जी और अंगद जी का, इतना राक्षस लोग डरते थे। बाबा ने लिखा है अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पिशाच निकट नहीं आवे, पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नारी, कृपा करहु गुरुदेव की नारी, कृपा करहु गुरुदेव की नारी, कृपा करहु गुरुदेव की नारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर जय कपीश जो लोग उजागर, जय कपीश जो लोग उजागर, जय कपीश जो लोग उजागर। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी से कहा तुम्हारे शरीर में ताकत बहुत है, इसलिए दूर दूर से बड़े बड़े पहाड़ लेकर के आओ, मरता क्या ना करता, सेवक सो जो करे सो काई। हनुमान जी अंगद जी चल दिए, काफी दूर निकल गए। अंगद जी को एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया, अंगद जी ने कहा मेरा तो काम हो गया। अंगद जी ने वो पहाड़ उठा लिया और लेके चल दिए। अब हनुमान जी काफी दूर निकल गए, क्यों? अपने साइज का पहाड़ ढूंढ रहे हैं, पता लगा छोटा मोटा लेके जाऊंगा फिर दोबारा खदेड़ा जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी गलती नहीं करना चाहे, देखिए गलती जो ना करे, अरे साहब वो हनुमान है, वो हनुमान जी ने कभी कोई गलती। हनुमान जी हर परीक्षा में उत्तीर्ण निकले हैं, क्यों मानन दिया? हर परीक्षा में आज तक एक हनुमान जी एक ऐसे
शिष्य हैं, ऐसे सेवक हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज तक किसी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुए, सब में उत्तीर्ण हुए। माँ सीता जी को यह वरदान देना पड़ा। देखिए, ये वरदान उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो सर्व कार्य को करने में सामर्थ्यवान हो। सर्व कार्य कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये तो बात जामंत जी ने कही और माँ सीता जी ने अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। आठ सिद्धियां धरती पर, आठे सिद्धि है, नौवीं सिद्धि नहीं है, और आठों सिद्धियों के हनुमान जी नॉलेज है, आठों सिद्धियों। तो हनुमान जी अपने साइज का पहाड़ ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, क्या देखा, 21 किलोमीटर का पहाड़ गोवर्धन गिरिराज को देखा। हनुमान जी ने सोचा 100 सुनार की और एक लोहार की, ये हमारे लायक ठीक है। जैसे पूरी टीम में हम लोग मानवेंद्र भैया जी को उनके हिसाब से ही काम देते हैं, हाँ ये ठीक है, हनुमान जी हैं भाई। देखो भाई, किसी के लिए हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे लिए तो है, मेरे लिए तो भाई हनुमान जी हैं। तो मैं इसीलिए सोच समझ करके इनको मैं काम देता हूं। मैं जानता हूं किसी भी काम को, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। जीवन में दो शब्दों से मुझे बड़ी सख्त नफरत है, ये काम मैं कर नहीं सकता हूं और ये काम हो नहीं सकता। इस संसार में मानव से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ना हो सके, जो ना हो सके, सब कुछ हो सकता है। तो हनुमान जी ने सोचा चलो ये ठीक रहेगा, हाथ लगाया और जय श्री राम। हनुमान जी कोई भी काम करते हैं तो प्रभु राम का नाम लेकर के करते हैं, कोई भी काम। देखिए हनुमान जी को जानती है कौन लंकिनी, क्या कहा उसने, पहले तो थोड़ा झगड़ा किया, मुष्टिका पड़ी तो रुधिर गिरने लगा, जान गई मेरे बाप है ये, पंगा नहीं लेने वाला है। और फिर आशीर्वाद दिया और कहा, अरे प्रवेश नगर की जय सब का जा, प्रवेश नगर की प्रवेश नगर कीजे सबका जा, प्रवेश नगर कीजे सबका जा, और हृदय राखी को जनपुर राजा, हृदय राखी को जनपुर हनुमान जी जिसको एक बार मिल लेते हैं उसे अपने जैसा बना देते हैं, वो भी राम का दीवाना हो जाता है। लंकिनी भी कहती है प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय रात कौशलपुर राजा। तो हनुमान जी ने उठा लिया, गिरिराज को लेकर के चले, मोबाइल पर फोन आया कि सेतु का निर्माण हो चुका है, अब पहाड़ की आवश्यकता नहीं है। पहले के विज्ञान के आगे भी आजकल का विज्ञान बिल्कुल 0/0 है। अभी विज्ञान क्या, आजकल मोबाइल हम लोग हाथ में लेके बात करते थे, बात करते हैं, और पहले
ऋषि मुनि कोई भी अगर एक फूल उठा लेते थे तो फूल मोबाइल बन जाता था, उस फूल से वार्तालाप होती थी, पेड़ पौधे बोलते थे। साहब इतिहास के पन्ने उठा के देखिए, कौन कहता है मोबाइल नहीं था पहले। मोबाइल उतनी जल्दी नहीं पहुंचता था जितनी जल्दी नारद जी पहुंचते थे डायरेक्ट। तो हनुमान जी के मोबाइल पर फोन आया, सेतु का निर्माण हो चुका है, पहाड़ की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने रख दिया, और जब हनुमान जी ने रख दिया गिरिराज जी को, तो गिरिराज जी रोने लगे, मैं कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, जीवन में एक बार मौका मिला प्रभु की सेवा करने का, अब एक पहाड़ का प्रेम देखिए। कथा क्या शिक्षा देती है, कथा क्या बोलती है। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप पैसे से सहयोग करें। आप लोग समझते क्यों नहीं, सबसे पहला भगवान जो सहयोग स्वीकार करते हैं वो कहते हैं तन, फिर मन, तीसरे नंबर पे धन आया है। सबसे पहले आप शारीरिक सहयोग करें, कथा से जुड़े, सेवा करें। भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे, ना जाने किस वेश में प्रभु का दर्शन हो जाए, प्रभु से मुलाकात हो जाए। एक गीत है वो रंजीत देव, देखो जरा, बड़े भाग से मिलता है नर्तन, आते हैं इसी वेश में प्रभुवर कभी कभी। देखो जरा, बड़ा सुंदर गीत है, उस दिन मैंने खोला था, मुझे दिखा था। मिला बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते बहुत देर कर दे, गवाते गवाते बहुत देर कर दे। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते बहुत देर कर दे, गवाते गवाते बहुत देर कर दे। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने
अब जो भी बचा है अभी चेत जावत, जो भी बचा है अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएगा क्या यू ही जिंदगी हमने भार कर दे। बड़े भाग्य से ये मनुज धन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज धन मिला है, गवाते गवाते बहुत देर कर दी, गवाते गवाते हरि बोल श्री राधे। सतगुरु के भैया पतवार, सत कर्म सतगुरु के भैया, माया के चक्कर में, माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया है मजदार कर की नैया है मजदार कर। बड़े भाग से ये मनुज धन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज धन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, जो ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, जो ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। अगर चाहता है कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, लोले मान सच्चे सदगुण की वाणी, लोले मान सच्चे सदगुण की वाणी,
जीवन सत्कर्म में अब अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है गवाते गवाए उम्र पार कर दे गवाते गवाए उम्र पार कर दे गवाते गवाए उम्र पार कर दे खाने कमाने आयु गवाए खाने कमाने में आयु गवाए यही जिंदगी हमने बेकार कर दी 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 यही जिंदगी हमने बेकार कर इस गीत की एक पंक्ति बहुत अच्छी है अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी तोले मान सच्चे सदगुरु की बाणी तोले मान सच्चे सदगुरु की बाणी लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब अभी तक तो ये है उम्र बेकार कर दी अभी तक तो ये है उम्र बेकार कर दी बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है भाग्य से मनुज तन मिला है गवाते गवाते उम्र पार कर दी गवाते गवाते उम्र पार कर दी जीवन में श्रेष्ठ बनिए सज्जन बनिए सज्जन के 24 घंटे वो दूसरों के लिए होते हैं दूसरों के जीवन में इस बात का ध्यान रखिए हनुमान जी लेकर के आए गिरिराज जी को रख दिया गिरिराज जी रोने लगे मैं कितना अभागा व्यक्ति हूं एक परमात्मा की सेवा करने का मौका मुझे मिला और यह मौका भी प्रभु आपने हमारे हाथों से छीन लिया एक पहाड़ का प्रेम देखिए जड़ है चल नहीं सकता फिर नहीं सकता लेकिन बात कितनी चेतना की कर रहा है हम चेतन होकर के बात हम जड़ की करते हैं और एक जड़ पहाड़ होकर के वो चेतन की बात कर रहा है कि हम प्रभु की सेवा हम कैसे करें कैसे करें प्यारे भक्तों जीवन में परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमा
संसार में। मैं हर कथा में एक बात बोलता हूं, जीवन में दो काम रोज करना और दो काम कभी मत करना। दो काम ऐसे हैं मानव जीवन में जो हमें 365 दिन करना चाहिए और दो काम ऐसे हैं जो हमें जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। वो दो काम कौन है जो हमें करना चाहिए? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए। गाना का उल्टा कर दीजिए तो क्या बनता है? नागा बनता है। भगवान के भक्त को लोग पागल कहते हैं। आदमी घर में एक सप्ताह, मीराबाई को देखो, घर परिवार ने समाज ने सब पागल घोषित कर दिया है, पागल है। गिरधर गोपाल को लिए बावरी पागलों की तरह घूमती है। प्रहलाद को लोगों ने पागल घोषित कर दिया। ध्रुव भैया को लोगों ने पागल घोषित कर दिया। घर में एक सप्ताह भजन कीर्तन करने लगो तो पूरा घर कहता है बौराए गए, दिमाग खराब हो गया, अब और कोई काम नहीं बचा है। ये इंसान की सोच है। स्वार्थ में रहने वाला व्यक्ति इसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे आपके भजन से नहीं, उसे तो आपके यजन से। आप कितना लेकर के आ रहे हैं, आप हमें क्या दे रहे हैं, इंसान को तो केवल इससे मतलब है। पागल वही व्यक्ति होते हैं, पा माने प्राप्त कर लेना, गल माने भगवान होता है। जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं वो पागल ही हो जाते हैं साहब, ये समाज उनको पागल ही कहता है। तो दो काम जरूर करें। देखिए, आपके राग स्वर ये इंसान सुनेगा। भगवान हमारे राग के भूखे नहीं है, हमारे ठाकुर जी अनुराग के भूखे हैं। अनुराग आप दिल से गाइए। हमारे मित्र लोग कहते हैं महाराज जी आप कहीं कहीं बहुत कट जाते हैं, बहुत बेताल हो जाते हैं। तो हमने कहा हम ताल से गाते ही कम हैं, हमें ताल वाल का क्या मतलब, हमने कभी सीखे ही नहीं कुछ, कुछ हमने जाना ही नहीं और ना कभी सीखने की हमारी कोई ख्वाहिश थी। मैं तो अपने दिल से, आदमी यहां से लेकर के गाने वाला व्यक्ति यहां तक का प्रवेश करता है, लेकिन मैं तो भैया सीधा दिल से। जीवन में हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को कष्ट हो, ऐसी हम सोच ना रखें, ऐसे हम विचार जीवन में ना लाएं। प्यारे भक्तों, हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और गिरिराज जी ने कहा अरे जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 करहु गुरु देव किनाई, कृपा करहु गुरु देव किनाई, कृपा करहु गुरु देव किनाई, कृपा करहु गुरु देव किनाई। कहते हैं भगवान तक पहुंचना है तो रस्सी में न लटकिए, भगवान तक पहुंचना है तो किसी सदगुरु की शरण में चले जाइए। गिरिराज जी जानते हैं मैं डायरेक्ट भगवान को नहीं मिल सकता, आज तक इस धरती पर केवल चार व्यक्तियों को छोड़ करके डायरेक्ट भगवान को कोई नहीं मिल सकता। ध्रुव भैया को भी भगवान तब मिले जब नारद जी को
ध्रुव भैया ने सदगुरु बनाया। प्रहलाद को भगवान तब मिले जब प्रहलाद जी ने नारद जी को सदगुरु बनाया। इतिहास के पन्ने गवाह हैं। किसी के चरणों को किसी की शरण में चले जाइए, रास्ता सुगम हो जाएगा, रास्ता सहज हो जाएगा, रास्ता सरल हो जाएगा। किसी के शरण में इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोस्वामी जी को जब रामचरितमानस का शुभारंभ करना हुआ तो उन्होंने पहले तो श्लोकों में नाना प्रकार के देवी देवताओं की प्रार्थना की, लेकिन जब पंक्तियां स्टार्ट की तब उन्होंने पहली पंक्ति लिखी, बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुभाष जी का नाम लिया, सुभाष जी हाजिर है। गुरु की बड़ी महिमा है साहब, बहुत महिमा। जिस प्रकार से जीवन में हम बिना ज्ञान के उपलब्धि को नहीं हासिल कर सकते, उसी प्रकार से हम बिना गुरु के बिना सद्गुरु के हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। हनुमान जी को गिरिराज जी ने गुरु बना लिया, चरणों को पकड़ लिया, हम तब तक आपके पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक आप मुझे प्रभु की सेवा में नहीं लगाएंगे। हनुमान जी प्रभु राम के पास गए, उनको सारी बातें बताई और फिर राम जी ने आंखों में आंसू भर करके हनुमान जी से कहा, जाओ हमारे गिरिराज जी से कहना इस बार तो सेतु का निर्माण हो चुका है, अब पहाड़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में द्वापर युग में जब हम कृष्णा उतार लेंगे तो हम उनको अपनी सेवा में लगाएंगे। और ये धैर्य का फल है। सबसे बड़ा अगर आपका कोई अपना मित्र है साथ देने वाला तो वो धैर्य है। व्यक्ति के जीवन में धैर्य जरूर होना चाहिए। धैर्यशील व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खाता। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी धैर्यवान व्यक्ति हैं। ये धैर्य का फल है। इस बार अगर हम गिरिराज को अपनी सेवा में लेते तो उनके ऊपर चल करके जाते, लेकिन ये धैर्य का फल है कि द्वापर युग में हम गिरिराज को अपने ऊपर धारण करेंगे। ये धैर्य का फल है। आज वही गिरिराज जो रामा अवतार में, जो कि कल समय अभाव के कारण मैंने कथा नहीं सुनाई थी, आज मैंने सूक्ष्म में कथा आपको मैंने सुनाई, आज वही गिरिराज भगवान का ठाकुर जी हमारे पूजन कराते हैं। ये धैर्य का फल है। धर्म का हम कोई कार्य करें तो हम उसमें धैर्य जरूर रखें, धैर्य जरूर रखें। भगवान के यहां देर है मगर अंधेर नहीं, इंतजार तो करना पड़ेगा। जो व्यक्ति इंतजार नहीं कर सकता भगवान कहते वो हमारे पसंद का व्यक्ति नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, भागवत में वर्णन आया है 100 वर्ष तक राधा और कृष्ण का वियोग रहा है। 100 वर्ष सोचिए कितना बड़ा धैर्य होगा। जीवन में इन कथाओं से हमें सीखने को मिलता है
प्यारे भक्तों, गिरिराज जी का पूजन कराया, देवराज इंद्र का पूजन ना करा करके सारे ब्रजवासी आज के दिन देवराज इंद्र का पूजन करते थे, लेकिन नहीं, कन्हैया के कहने पर आज सब लोगों ने गिरिराज जी का पूजन किया। देवराज इंद्र ने सेवकों को भेजा, कहा जाओ पता करके आओ। सेवक लोग आए, आ करके जो देखा तो देखते ही रह गए। एक विशाल पर्वत की पूजा कर रहे हैं। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक ये बात थी, वो विशाल पर्वत झौवा के झौवा, बाल्टी की बाल्टी। गिरिराज जी खा रहे हैं, प्रसादी लगा रहे हैं। सेवकों ने जैसा देखा वैसा जाकर के बता दिया। देवराज इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। स्वार्थी और सकी व्यक्ति, इन दो लोगों को ना तो घर में चैन और ना बाहर चैन है, स्वार्थी और सकी। देवराज इंद्र तो परम स्वार्थी है, आया और आ करके जब उसने अपनी आंखों से देखा तो बहुत क्रोधित हुआ। सबसे प्रिय अपने सावंतक मेघ को बुलाया और सावंतक मेघ को बुला करके मूसलाधार बरसात की कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। कथा आप सब जानते हैं। भगवान ने थोड़ी देर बेचारे उस प्रलयंकारी बरसात से ग्वाल बाल ब्रजवासी ब्रजनारी जूझते रहे और जब अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए तो सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु ने हमारे गिरिराज को उठा लिया और केवल उठा नहीं लिया, बाएं हाथ में उठाया। साहब कहते हैं दाहिने हाथ में ज्यादा ताकत होती है, जितना काम अधिक ताकत का हम दाहिने हाथ से कर लेते हैं उतना हम अधिक काम बाएं हाथ से नहीं कर पाते हैं। प्रभु ने हमारे बाएं हाथ से गिरिराज को उठाया और केवल हाथ पे नहीं उठाया, कनिष्ठा उंगली पे, और कहते हैं उंगली पे भी नहीं, नख के ऊपर धारण कर लिया। प्रभु के लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे। मूसलाधार बरसात हो रही है। एक दिन दो दिन तीन दिन व्यतीत तो हो गए, राधा रानी को बड़ा कष्ट हुआ। राधा रानी दौड़ करके सब लोगों को डांट करके कहा, आप लोगों का दिल दिल नहीं पत्थर का है, आप कितने निर्मोही हो, कितने स्वार्थी हो, अकेला मेरा सांवरा इस विशाल पर्वत को रोक रखा है और आप सब लोग मुख ताक रहे हो, मदद क्यों नहीं करते। सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन, राधा रानी आंखों में आंसू भर करके दौड़ करके गई और अपने कृष्ण के पास जा करके अपना बायां हाथ गिरिराज जी में लगा दिया, आंखों में आंसू भर करके कहा, सांवरे तो चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी कहा है ऐसे, कहना पड़ेगा। हम पाना सब कुछ चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। अब तो सभी को शर्म लगी, किसी ने लाठी, किसी ने कंधा, किसी ने सर, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। सात दिन के बाद देवराज इंद्र आए, देखा, बुद्धि जागृत हो गई, विवेक जागृत हो गया। देवराज इंद्र ने आकर के पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर हो लगति कीनाए, भूतल पर हो लगति कीनाए, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, पाहि गोसाई, भूतल पर हो लगति कीनाए, भूतल पर हो लगति कीनाए, भूतल पर हो लगति कीनाए, भूतल पर हो लगति कीनाए। देवराज इंद्र ने क्षमा याचना मांगी। 11 श्लोकों के द्वारा देवराज इंद्र ने प्रार्थना की और यहां पर देवराज इंद्र ने प्रभु का एक नाम रखा,
जानते हो यहाँ पर देवराज इंद्र ने भगवान हमारे ठाकुर जी का कौन सा नाम रखा? गोविंद। ये देवराज इंद्र के द्वारा रखा हुआ नाम है गोविंद। गोपिकाओं ने मना कर दिया कि प्रभु आप इसे क्षमा नहीं करोगे, सरकार हमारे चार कदम पीछे हट गए। देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये चार दिन की गोपिकाएं आपकी सब कुछ हो गई और मैं आपका इतना पुराना वफादार सेवक, मैं आपका कुछ नहीं। यहां पर गोपिकाओं ने बड़ी सुंदर बात देवराज इंद्र से कही, आप तो राजा हो, सर्व सामर्थ्यवान हो, लेकिन एक बात बताएं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप सर्व सामर्थ्यवान हो, तो आप प्रेम को समझ जाओ। प्रेम को समझना बहुत कठिन है साहब। प्रेम आपकी संपत्ति का भूखा नहीं होता, प्रेम आपके वैभव, प्रेम आपके ऐश्वर्य का भूखा नहीं होता। और प्रेम न कभी नया होता है न कभी पुराना होता है, प्रेम दैनिक नवीन होता है साहब, दैनिक। आज गोपिकाओं ने बड़ी सुंदर एक बात कही, बचपन में मैंने एक गीत की रचना की थी, जरा उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज गोपिकाएं कहती हैं, अरे प्रभु जिसे प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिसे प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिसे प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिसे प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम किया था हर्ष चंद्र ने, 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 काशी में तीनों बिकाना, काशी में तीनों बिकाना, हाँ काशी में तीनों बिकाना, काशी में तीनों बिकाना, क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिसे प्रेम लगाना। हरि बोल श्री राधे। हमारे ठाकुर जी से जो प्रेम करते होंगे उनकी ताली जरूर बजेगी। किया था मोर ध्वज ने, प्रेम किया था मोर ध्वज ने, प्रेम किया था मोर ध्वज ने, प्रेम किया था मोर ध्वज ने, सुत पर आर चलाना, सुत पर आर चलाना, हाँ सुत पर आर चलाना, सुत पर आर चलाना, क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिसे प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिसे प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, राधे।
किया था ध्रुपद सुता ने, प्रेम किया था ध्रुपद सुता ने, प्रेम किया था ध्रुपद सुता ने, प्रेम किया था ध्रुपद सुता ने, सभा में चीर बढ़ाना, सभा में चीर बढ़ाना, हाँ सभा में चीर बढ़ाना, सभा में चीर बढ़ाना, क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिस प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिस प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना, था विदुरानी ने, प्रेम किया था विदुरानी ने, प्रेम किया था विदुरानी ने, प्रेम किया था विदुरानी ने, केल छिलके खिलाना, केल छिलके खिलाना, केल छिलके खिलाना, केल छिलके खिलाना, क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिस प्रेम लगाना, सब जिस प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना, था भक्त प्रहलाद ने, प्रेम किया था भक्त प्रहलाद ने, प्रेम किया था भक्त प्रहलाद ने, प्रेम किया था भक्त प्रहलाद ने, नरसिंह रूप धरियाना, नरसिंह रूप धरियाना, नरसिंह रूप धरियाना, नरसिंह रूप धरियाना, क्या तूने सहज में जाना, प्रभु प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना, किया था मेरा भाई ने, प्रेम किया था मेरा भाई ने, प्रेम किया था मेरा भाई ने, प्रेम किया था मेरा भाई, विष से अमृत बनाना, विष से अमृत बनाना, हाँ विष से अमृत बनाना, विष से अमृत बनाना, क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिस प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना, क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिस प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिस प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना, प्रभु जिस प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। दो अगरबत्ती उतार लेने से, दो मिनट भगवान के पास बैठने से, दो इलायची के दाने भोग लगा देने से, ये प्रेम नहीं है साहब, ये तो आपकी ड्यूटी है, ये हमारा आपका कर्तव्य है। प्रेम दो मिनट, दो दिन का, दो वर्ष का नहीं होता है, प्रेम तो साहब
भगवान से प्रेम हम लोग तो ठाकुर जी से दिन प्रतिदिन देख करके जी ही नहीं भरता है साहब। इनको रोज देखो, रोज लगता है कि आज कुछ और है, आज कुछ और है, अलग अलग। और इनके भक्तों का मैं आपको मैं क्या बताऊं, हमारे ठाकुर जी की तो बल्ले बल्ले हो गई जब से डॉक्टर संजय मिश्रा जी से जुड़े हैं। हमारे ठाकुर जी बल्ले बल्ले हो गए। हम लोग अपने लिए चाहे कुछ लाए चाहे ना लाए, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो ये एक परिवार ऐसा है ठाकुर जी के लिए, क्या पाए क्या ले ले, क्या पाए क्या ले ले, जी नहीं भरता। अभी कल घर पे बातचीत हो रही थी कि आचार्य जी वृंदावन हमारा जी करता है कि हमें 3 दिन के लिए अकेले छोड़ दिया जाए और हम बस केवल खरीदारी कर ले ठाकुर जी के लिए। देखिए कोई नियम नहीं, मैं फिर कहता हूं, नियम बना लोगे तो बंध जाओगे, और आपको नहीं बंधना है, भगवान को बांधना है। और भगवान केवल एक ही बंधन में बंधे हैं, आज तक इतिहास के पन्ने गवाह हैं। भगवान को किसी बंधन में बांधा जा सकता है तो माई बाप को केवल प्रेम का बंधन है। आप नियम में ना आप बंधिए। जीवन देवराज इंद्र को भगवान ने क्षमा किया, तत्पश्चात में सुखदेव जी कहते राजन गिरिराज की लीला करने के पश्चात में भगवान ने अन्यान्य लीलाएं की, कालीनाग के ऊपर कृपा की और काली देव कुंड के जल को प्रभु ने पवित्र किया। और इस लीला को करके समाज को क्या शिक्षा दी, जल को पवित्र बनाइए, नदियों को दूषित ना करिए। ये नदियां ये सरोवर कूप बावली ये सब हमारे जीवन दाता हैं, ये नष्ट हो गए तो हमारा आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। पहले आदमी फिल्टर का पानी नहीं पीता था, 2 झोंक लगाए बाल्टी भरी और चकाचक, बीमारी इतनी नहीं थी साहब। जो चीज भगवान के द्वारा बनाई गई है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आज भी लखनऊ आवास पे अपने निवास पे मैं डायरेक्ट समरसेबिल का ही पानी पीता हूं, मैंने आरओ नहीं लगवा रखा है ना। जो चीज भगवान के द्वारा प्रदत्त है, जो प्रकृति ने, आप बताइए क्या धरती मां क्या हमें कोई दूषित वस्तु प्रदान करेगी। मुझे एक चीज को देख करके आजकल बड़ी वो आती है, कोई अब मैं उस स्कूल का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लखनऊ में है वो स्कूल, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लाइव कथा चल रही है। घर से जो बच्चे भोजन लेकर के जाते हैं वो भोजन चेक किया जाता है, क्या माँ बाप जहर दे देंगे, क्या बच्चे को सिखाना चाहते हो, क्या बच्चे को बताना चाहते हो, बच्चे के मन में माँ बाप के प्रति क्या भरना चाहते हो, आप बताइए। जो माँ बाप आप जैसे स्कूलों को च्वाइस करता है, अपने बच्चे को आपके स्कूल में दाखिला करता है, आप उसी माँ बाप की निगरानी कर रहे हो। ये व्यवहार मेरी समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे इंसान का भरोसा अपनों के ऊपर से उठता चला जा रहा है, यही कलयुग है साहब। भगवान ने काली देव कुंड के जल को पवित्र किया, काली नाग को रमणक दूध भेज दिया और पुनः सुंदर जल को पवित्र किया।
ब्रह्मा जी के मोह की कथा आती है। भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को नष्ट किया। पिता पिता रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। आप चाहे जितने बड़े आईएएस बन जाओ, लेकिन जब बात फार्म भरने की आएगी तो पिता की जगह अपना नाम नहीं लिखोगे। वो चाहे भले ही बेचारा किसान हो, भले ही बेचारा गरीब हो, उसने मेहनत मजदूरी खून पसीना बहा करके तुमको इस ओहदे पर पहुंचाया, इस पद पे पहुंचाया। पिता का सम्मान पिता ही। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, क्यों? ये बड़ी सुंदर कथा है। रामा अवतार में जब हमारे प्रभु राम जी कंद मूल फल खाते थे, अन्न तो खाते नहीं थे, 14 वर्ष प्रभु ने अन्न नहीं खाया। कंद मूल जब फल खाते थे तो सारे बानर बेचारे देखते थे। उनके मन में एक भावना जागृत हुई, काश मैं भी प्रभु के साथ में प्रसाद ही पाऊं। इच्छा हुई कि मैं भी प्रभु के साथ में प्रसाद पाऊं। प्रभु राम ने उनकी भावना को प्रणाम किया और हनुमान जी को बुला करके कहा, जाओ आप अपने इष्ट मित्रों से कहना कि इस बार तो हम आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। स्वामी और सेवक को एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए, मर्यादा के खिलाफ है। गुरु और शिष्य को एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए, मर्यादा के खिलाफ है। पिता और पुत्र को एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए, मर्यादा के खिलाफ है। मित्र मित्र एक साथ भोजन करे, भाई भाई एक साथ भोजन करे, पति पत्नी एक साथ भोजन करे। कुछ तो मर्यादाएं हैं। जीवन कई लोगों ने कहा कि महाराज जी आप कहते हैं पिता पुत्र, लिखा पढ़ी में है, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, रामचरितमानस की पंक्ति है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी बार बार बुलाते हैं, बेटा राम आओ भोजन करो आ करके। राम जी कहते हैं अगर मैं नहीं जाता हूं तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन है, और अगर मैं जाता हूं तो मर्यादा का उल्लंघन है, क्योंकि पिता पुत्र एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। फिर राम जी जानते हो क्या कहते थे, अभी मैं बालकों के साथ में खेल रहा हूं, पिताजी आप भोजन करिए, मैं बाद में कर लूंगा। नहीं आवत तजबाल समाजा, लिखा पढ़ी में। हम जितने संस्कारों का पालन करेंगे हमारे रिश्ते उतने मजबूत होंगे। बात समझिएगा, आज रिश्तों में मजबूती क्यों नहीं है, रिश्तों में मिठास क्यों नहीं है? केवल अपने संस्कारों का हम पालन नहीं कर रहे, अपनी संस्कृति का हम पालन नहीं कर रहे, इसलिए रिश्ते कच्चे धागे की तरह है, कच्चे धागे की तरह। कब बने और कब टूट गए कोई भरोसा नहीं। जीवन में प्यारे भक्तों, प्रभु राम जी ने बानर राज हनुमान जी से कहा कि जाओ, इस बार तो नहीं लेकिन कृष्णा अवतार में इच्छा हम तुम्हारी पूरी करेंगे, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम होंगे। और कृष्णा अवतार में प्रभु ने एक बड़ी सुंदर लीला की। एक बार प्रभु ने सभी ग्वाल बालों को बैठाया। इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सभी अपने ग्वाल बाल इष्ट मित्रों को बैठाया और कन्हैया बीच में बैठ गए। कहा ये बताइए हम लोग किस गांव में रहते हैं, तो सब लोगों ने कहा वृंदावन में। वृंदावन गांव का मुखिया कौन है, सभी बच्चों ने कहा आपके पिताजी यानी कि नंद बाबा, भाई गांव के प्रधान हैं। और मैं कौन हूं, आप नंद बाबा के मुखिया के आप बेटे हैं, तो यानी कि मैं भी तो आपका मालिक हुआ। हाँ,
तो आज हमारे कन्हैया ने कहा ये बताओ हमारे नंद जी और आपके पिताजी हर महीने कर देने के लिए मथुरा जाते हैं राजा कंस को देने, क्योंकि वो इस स्टेट का मालिक है कर देने के लिए। तो क्या आप लोगों का दायित्व नहीं बनता कि आप लोग हमको कर दो? सभी बच्चों ने कहा बिल्कुल बनता है। तो कन्हैया बीचों बीच में बैठ गए पत्तल लगा करके और कहा जो जो आप लोग कलेवा लेकर के आए हो आप सब लोग आज हमको टैक्स दो, कर दो। अब सब लोग अपने अपने में का थोड़ा थोड़ा निकाल करके, कोई सोचता है ज्यादा दे देंगे तो हम भूखे रह जाएंगे, कोई सोचता है कितना दें, कोई सोचता है दें कि ना दें। आज पहली बार भगवान ये लीला कर रहे हैं अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। आज जब सभी बच्चों ने अपने अपने हिस्से के कलेवा को निकाल करके दिया तो भगवान की आंखों में आंसू भर आए। भगवान ने कहा अब मेरे मित्रों सभी लोग हमारे साथ में बैठ जाओ और सब लोग आज हमारे एक ही में खाओ। आज हमारे प्रभु उन्हीं लोगों का लिया हुआ भोजन, उन्हीं लोगों का लिया हुआ कलेवा अपने साथ में सबको बैठाल करके खिलाया। और केवल खिलाया नहीं, भागवत में स्पष्ट लिखा है एक दूसरे से मुख के अंदर से छीन छीन करके खा रहे हैं। धन्य है वो ग्वाल बाल, धन्य है उनकी भक्ति, परमात्मा के प्रति उनका प्रेम धन्य है। आज वो परमात्मा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि न जाने कितने युग बीत जाते हैं दर्शन तक नहीं पाते हैं, आज वो ग्वाल बाल भगवान का जूठा खा रहे हैं और भगवान उनका जूठा खा रहे हैं एक दूसरे का। जानते हो क्यों? क्योंकि ये ग्वाल बाल कौन है? ये रामा अवतार के बानर ही ग्वाल बाल है। भगवान ने कहा था अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन मोहि कपट चल चित न भावा, मोहि कपट चल चित न भावा, रामहि केवल प्रेम प्यारा, रामहि केवल प्रेम प्यारा, रामहि केवल प्रेम प्यारा, रामहि केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा, जान लेव जो जान निहारा, जान लेव जो जान निहारा, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। यहां पर कई महापुरुषों को संदेह हुआ, ब्रह्मा जी को यहीं पर प्रभु को देख करके मोह हुआ था, यही लीला देख करके। और ब्रह्मा जी भगवान के सारी ग्वाल बाल यहां तक बलदाऊ भैया गाय बछड़े सबको चुरा करके ब्रह्मलोक लेकर के गए एक वर्ष तक, वो भी ब्रह्मा जी का एक वर्ष। कहते हैं जब 6 महीने बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है
और जब 6 महीने फिर बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों को मिला करके तब ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात होती है। अब आप सोचिए, विचार करिए, 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। भगवान ने उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही गाय बछड़े, सब कुछ बना दिया, सब कुछ। बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी आए 1 वर्ष के बाद में, तो क्या देखा? वही लीला, एक दूसरे का भगवान झूठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु गलती हो गई मुझसे, आज ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई। तो भगवान ने कहा, तुमसे गलती हो सकती लेकिन मुझसे गलती नहीं। आखिर प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम्ही में दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन लिए जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे जीवन लिए जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे जीवन लिए जा रहा राधे। तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही में ये दर्शन, तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हो, जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा हो, जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा हो।
हरि की राधे। असत के सदा स्नेह हो तुम्हीं सत, तुम्हीं में विषय विष, तुम्हीं में है अमृत। असत के सदा स्नेह हो तुम्हीं सत, तुम्हीं में विषय विष, तुम्हीं में है अमृत। पिलाते हो जो कुछ, पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हूँ, जो कुछ ले ये जीवन जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, तुम्हें में ये जीवन लिए जा रहा हूँ, तुम्हें में ये लिए जा रहा की तो बात नहीं करता हूं, लेकिन भक्त और भगवान की बात करता हूं। आज ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं, ना भक्त मेरे बिना, ना मैं भक्त के बिना। आज हमारे प्रभु की आंखों में आंसू भर आए। ब्रह्मा जी से कहा, जिनको तुम ग्वाल बाल समझते हो, जिनको तुम तुच्छ जाति का समझते हो, ये हमारे बॉस हैं, हमारे मालिक हैं। रे तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो,
जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ तुम्हीं में जीवन जिए जा रहा तुम्हीं में जीवन जिए जा रहा। ब्रह्मा जी के मोह को भगवान ने भंग किया। माखन चोरी की कथा आती है। मैंने एक दिन कहा था हम गुण की चोरी करें, हम अच्छाइयों की चोरी करें। कोई मित्र आपका अच्छा हो तो आप उस पर विचार करें कि आखिर ये कैसे अच्छा है, किन लोगों के साथ उड़ता बढ़ता है, तो इसके जीवन में बुराई नहीं है। उन गुणों को हम चुराएं तो चोरी नहीं, माई बाप वो पूर्ण माना जाएगा, वो पाप नहीं। इस संसार में केवल विचार शुद्ध रखिए, सोच उच्च रखिए, अच्छी रखिए। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जिसका भला मन है उसके लिए संसार में कोई बुरा नहीं है साहब, कोई बुरा नहीं उसके लिए, सारी दुनिया उसके लिए अच्छी है। हमारे प्रभु राम का देखिए, दसों हजार वर्ष हमारे प्रभु राम धरती पर रहे लेकिन प्रभु राम का कोई दुश्मन नहीं। मरते दम तक रावण ने राम को दुश्मन माना लेकिन राम ने रावण को दुश्मन कभी नहीं माना, कभी नहीं माना। हम अपने मन को साफ करके तो देखें। तत्पश्चात में यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करने की कथा आती है। कथाएं तो भगवान की बहुत हैं, ऐसी ऐसी बाल लीलाएं हैं जो एक एक सप्ताह भी कम पड़ेगा अगर उन बाल लीलाओं को कहा जाए सुना जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां सुन ही बहुविध सब संता। सब अपने अपने भाव से कहते हैं, अपने अपने, कोई दृष्टांत देकर के, कोई गीतों का सहारा लेकर के, कोई ज्ञान का सहारा लेकर के, कोई योग का सहारा लेकर के। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, थोड़े मह जानी है सयाने। सयाने कहते प्रबुद्ध व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति होंगे, जो प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे वो थोड़े में ही बहुत कुछ समझ जाते हैं। देखिए कम बोला जाए, ध्यान दीजिएगा, कम बोला जाए उससे भी कम कहा जाए लेकिन सुना अधिक जाए, ये नीति कहती है, ये मानव धर्म है। कम बोला जाए, बहुत कम बोलिए। आप जितना कम बोलेंगे ना परिवार में आपका उतना सम्मान होगा, लोग आपको दबेंगे नहीं, बड़े गंभीर हैं, जल्दी बोलते नहीं हैं, और बोलेंगे तो फिर कोई ना कोई फैसला ही लेंगे। ये एक शासन अनुशासन ये है परिवार में बच्चों में होना चाहिए, और ये तब होगा जब हम नीति शास्त्रों की बात मानेंगे। घर में आप जितना कम कम बोलेंगे आपकी प्रतिष्ठा आपका सम्मान उतना ही अधिक बढ़ेगा, और उससे भी कम आप कहें। कुछ लोग कहते हैं आपको मालूम नहीं कि हम इतने बजे चाय पीते, अरे इतनी लंबी बात कहने की क्या जरूरत है, समय हो गया बस इतना कह दो, इशारा काफी है। कुछ लोग पूरी रामायण नहीं होना चाहिए, वाणी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी वाणी बोलिए
ओ मन का आपा खो औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। ऐसी बात और ऐसी वाणी तभी आपके जीवन में आएगी जब हम थोड़ा सा कम बोलने का स्वभाव बनाएंगे। हम लोगों को बचपन में प्रथमा में एक श्लोक पढ़ाया जाता था, नीति संग्रह का श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, पात्रत्वाधनमाप्नोति धनाधर्मं ततः सुखम्। इस जीव को सबसे पहले माता पिता क्या सिखाते हैं? विद्या, ज्ञान सिखाते हैं, अध्ययन सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति की वाणी संयमित होती है। वाणी संयमित हो और जब आपकी वाणी संयमित होगी, मीठी वाणी होगी, अच्छी वाणी होगी, तो फिर आपको धरती पर काम खोजने की जरूरत नहीं है, काम स्वयं आपके पास में चल करके आएगा। विनयम ददात पात्र, पात्रत्वा धन आपनोति। और जब हम कोई काम करेंगे तो धन मिलेगा। बस यहीं पर थोड़ा सा जागना है, यहीं पर थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना है। हाथ में धन आते ही हम अपने संसाधन जुटाने लगते हैं। अब यहां पर विचार करिए, जैसे ही सैलरी मिली, सैलरी मिलने से पहले ही हम सारे प्रोग्राम फिक्स कर देते हैं, ये करना है, बच्चे के लिए ये करना है, पत्नी के लिए ये करना है, अपने लिए ये करना है और परिवार के लिए ये करना है। धन हाथ में मिले तो धनाधर्मम तथा सुखम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान के हाथ पर रख दोगे ना तो माई बाप भगवान चुरा नहीं लेंगे और ना ही भगवान अपनी जेब में रख लेंगे। हाँ इतना जरूर है, उस धन की कीमत को, उस धन की तौल को इतना बढ़ा देंगे माई बाप को, एक रुपया 1,000 के बराबर हो जाएगा इनको देने के पश्चात। ये एक भाव बनाइए ना, आप दान करिए लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन चूंकि बात पड़ती है तो कहना पड़ता है। मुझे एक सिस्टम डॉक्टर साहब के यहां का बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं कुछ सीखता हूं ऐसा नहीं है, ज्ञानार्जनार्थम निवसामि यत्र, कुछ ज्ञान देने के लिए और कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में निवास कर रहा हूं। एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर जगह की कमाई अलग अलग है और हर जगह के कमाई के पात्र भी अलग अलग है। बाहर की कमाई मैं मालिक हूं, बृहस्पतिवार को लखनऊ में बैठते हैं, घर की मालकिन उस कमाई की मालिक है। और जो घर में जो पैसा आता है, जैसे कोई व्यक्ति दवा इतवार को आ गया या बृहस्पति को क्लिनिक बंद गया उसके बाद आया, वो पैसा माई बाप सीधे ठाकुर जी की सेवा में जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम लगा, बहुत अच्छा सिस्टम लगा। बात कहने की नहीं, बात समझने की है। आज पहली बार मैंने ये बात कथा में बोली। जीवन में ऐसा व्यवहार हो, ठाकुर जी को भी लगता है, भगवान को भी लगता है कि नहीं इस घर में मेरा भी हिस्सा है, लगता है ना, मेरा भी हिस्सा है, मैं भी इस घर का सदस्य हूं, मैं भी इस घर का मालिक हूं। हम ऐसा कुछ व्यवहार बनाए। धनाधर्मम तथा सुखम, नीत कहती है धन को धर्म में लगाइए, कुछ कमाई का अंश ऐसा निकालिए जो प्रभु की सेवा में लगे, उस धन की तरफ आप देखें तक न। धार्मिक आयोजन अपने आप हो जाएंगे, वो ठाकुर जी कराएंगे।
अपने आप हो जाएंगे। भगवान का भी शेर बनाइए, जैसे बच्चों का, पत्नी का, घर का, परिवार का, ऐसे ही भगवान का भी शेर रखिए। प्यारे भक्तों, यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। ब्राह्मणों के पास प्रसाद लेने के लिए गए तो ब्राह्मणों ने तो भगा दिया ग्वाल बालों को, लेकिन जब ब्राह्मणियों के पास में गए, अरे साहब, मां ममता की सागर होती है, घर की स्त्री, घर की गृहिणी, घर परिवार की प्रतिष्ठा होती है। ये कथा बहुत सुंदर है, क्योंकि समय का अभाव है इस कारण बहुत संक्षेप में। जिन बालकों को ब्राह्मणों ने भगा दिया यज्ञशाला से, प्रसाद देने के लिए मना कर दिया, अपमान किया, उपहास किया, उन्हीं ब्राह्मण की पत्नियों ने उन ग्वाल बाल बच्चों को बड़े आदर सत्कार के साथ बैठाया और कहा, बस थोड़ा सा समय दीजिए, आप चले, जितनी देर में आप पहुंचेंगे उतनी देर में हम सुंदर 56 प्रकार के भोग बना करके मैं ठाकुर जी की सेवा में लेकर के आती हूं। ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर भोजन बनाया, लेकर के सब दौड़ी। एक सरला नाम की ब्राह्मणी अपंग है, सारे ब्राह्मणों ने देखा तो दौड़ा लिया, सारी ब्राह्मण पत्नियां तो भाग गई, लेकिन वो बेचारी सरला फंस गई। उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया, उस ग्वाले को खिलाने जा रही है। इतना सुंदर दिव्य भोजन आज तक तूने क्या कभी मुझे इतना सुंदर बना के खिलाया? घर के आदमी को ये जलन होने लगती है। जो कपटी लोग होते हैं, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, शास्त्र कहता है इन चार लोगों के साथ में हम भगवान के जैसा व्यवहार करें, भगवान की जैसा, तो क्या तुम भगवान से श्रेष्ठ हो? माना कि तुम घर के मालिक हो, सबको लाते हो, लेकिन जब कोई आचार्य, कोई अतिथि, कोई माता पिता, अगर इनको हम अच्छा कर रहे हैं तो घर के गार्जियन को जलना नहीं चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, केवल घर की नहीं, आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फला घर में गए, अरे साहब, बड़ा सम्मान हुआ, बड़ा आदर हुआ, हम लोग प्रचारक हैं, जीजा जी खाएंगे और चौराहे पे जाकर के वो ठीक नहीं था, बेटी पूछेगी मान सम्मान हुआ, अरे हाँ ठीक है, लेकिन कोई संत वो पूरे जगत में प्रचार करेगा, पूरे जगत में, पूरे संसार में। माता पिता, मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, आप घर से बाहर जाते हो और बहन के लिए, भाई के लिए, पत्नी के लिए और माँ के लिए आप कपड़े लेकर के आते हो, देखो भाव अलग अलग है। देखिए, बहन को जब आप देते हो तो बहन चार बार उल्टेगी पलटेगी, भैया ठीक तो है लेकिन थोड़ा पूछ लेते, व्हाट्सएप कॉल कर लेते तो मैं अपनी पसंद आपको बता देती थी, वे लायक यहां मर गए और उनका बताओ पसंद है नहीं। ये बहन का भाव है, एक बार व्हाट्सएप कॉल कर लेते, पूछ लेते। पत्नी, ये लाए हो मेरे लिए, तुमको मेरी कीमत भी नहीं पता है, ये लाए हो मेरे लिए, वो डांट करके अपनी च्वाइस बताती है। लेकिन जब माँ को देते हो, माई बाप आंखों में आंसू भर करके हृदय से लगा देती है, पूरे मोहल्ले को दिखाती है, मेरा बेटा लाया है मेरे लिए, मेरा बेटा लाया है। जो उपहार की कीमत ना देखे वो सिर्फ माँ हो सकती है साहब, बाकी तो रिश्ते उपहार की कीमत देखते हैं साहब। आखिर हम कब सीखेंगे? जो आपकी एक रोटी में अपना सुकून देखती है, कहती बेटा रोटी मिले चाहे ना मिले, लेकिन दो शब्द जरूर प्रेम से बोल देना,
रे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया, क्या कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। जीवन में इन चीजों को हमें जीवन में लाना होगा, आज हम नहीं लाएंगे तो कल इन्हीं रास्तों से हम स्वयं गुजरेंगे, साहब स्वयं गुजरेंगे। उस समय आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए सावधान। भगवान ने ब्राह्मणियों के ऊपर कृपा की और बंद कमरे में सरला के पास भगवान जाकर के उसके 56 प्रकार के भोग को स्वीकार किया। ब्राह्मण को पता चला तो ब्राह्मण दरवाजा खोल करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा, पाहिमाम पाहिमाम। आज ब्राह्मण पत्नियों के माध्यम से देखिए भागवत क्या संदेश देती है, आज अपनी अपनी पत्नी के माध्यम से आज सभी ब्राह्मणों ने भगवान का दर्शन किया। कोई जरूरी नहीं कि आप घर के मुखिया हैं तो आप सर्वे सर्वा हैं। प्रहलाद के माध्यम से पूरे राष्ट्र को भगवान का दर्शन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। एक प्रहलाद 7 वर्ष के बालक के माध्यम से, ध्रुव भैया 5 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता सुनीति उत्तानपाद सुरुचि पूरे राष्ट्र को भगवान हरि का दर्शन कराया कि नहीं कराया, इतिहास के पन्ने गवाह हैं साहब। हम लकीर के फकीर ना बने, हम कर रहे हैं। ये अहंकार जीवन में कभी मत पालना, ये अहंकार ही व्यक्ति को ले डूबता है। जीवन में ये अहंकार कभी ना पालना। प्यारे भक्तों, समय को देखते हुए क्योंकि विवाह उत्सव की यात्रा करनी है आज,
और दिव्य विवाह उत्सव में हम सब लोग शामिल होंगे। हमारे मुकुंद भैया शेरवानी पहन के तो आए, लेकिन तुमसे अच्छी है हमारे, है ना? लेकिन शेरवानी हमसे आपसे अच्छी है, लेकिन आप हमसे अच्छे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ प्यारे भक्तों, आज कथा का खष्टम दिवस है और कल कथा का विश्राम होगा। परसों यहाँ पर दिव्य हवन पूर्णावति भंडारे के साथ में हम लोग कथा को, इस व्यासपीठ को हम विदा करेंगे। जैसे हम बेटी को विदा करते हैं, ऐसे ही हमारी भागवत कथा आपके जीवन के, आपके घर की रोशनी है, दीपक है आपके घर का ये भागवत। प्यारे भक्तों, इस बार ये जो कथा का आयोजन हुआ, इस विशाल कथा की जो प्रेरणा जो हम लोगों को मिली ठाकुर जी के माध्यम से, मन में विचार आया, अब पता नहीं मैं व्यासपीठ से मैं क्यों बोल देता हूं, अभी सेक्टर 7 वृंदावन योजना में हमारी कथा हो रही थी, तो वहां के भी बड़े भक्त बहुत अच्छे लोग हैं, तो इस बार मैं वहां भी बोल के आया था 25 दिसंबर से लेकर के, और 1 जनवरी तक वहां पे कार्यक्रम निश्चित है, प्रतिवर्ष होता है वहां पे, तो इस बार अचानक हमारे मुख से निकल गया कि अगली जो कथा होगी वो लाइव होगी। व्यासपीठ से निकल गया तो निकल गया, मैं अपने वचनों में इतना बंध जाता हूं कि फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, कैसे होगा, कहां से आएगा, कौन करेगा, फिर ये मैं कुछ सोचता नहीं हूं। भगवान का कार्य, थोड़ा मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, आप अपने घर में बेटे का बेटी का विवाह करते हैं तो अकेले पूरा अरेंजमेंट करते कि नहीं करते हैं, जवाब दीजिए हाँ या ना। आप अपने घर में कोई फंक्शन करते हैं, बेटे या बेटी का विवाह करते हैं, तो आप अकेले पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, ये सोच कर करते हैं। लेकिन जब ऐसे कोई धार्मिक, कोई भगवान का, हमारे ठाकुर जी का आयोजन होता है, तो वहां पर ये श्रद्धा, ये सोच
हमारे दिल दिमाग से नहीं बनती है। ज्यादा नहीं, बस केवल 11 लोगों के अगर मन में ये बात हो जाए, नहीं ठाकुर जी हमारे हैं, ये कथा मेरी है, ये दायित्व हमारा बनता है, कर्तव्य हमारा बनता है कि हम इसको अच्छे से सजाएं। भाई अगर इतना ही मुझे करना होता डॉक्टर साहब तो हम अपने मोहल्ले में करते। जीवन में केवल एक स्थान के बन करके ना, ना, पूरा राष्ट्र पूरा देश आपका अपना स्थान है। अगर लखनऊ आपका अपना है तो कानपुर भी तो आपका अपना है। आप ये ना सोचिएगा कि हम जहां रहते हैं बस वही स्थान मेरा है, नहीं साहब, वसुदेव कुटुंबकम। अगर ठाकुर जी हमारे ये सोचते तो माई बाप न जाने दुनिया में क्या होता। प्रभु ने ये कभी नहीं सोचा, प्रभु ने तो ये सोचा कि सारा संसार सारा विश्व हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति ही भगवान का प्रिय होता है। सोच सदैव अच्छी रखना, काम करना चाहे ना करना लेकिन सोच अच्छी रखना, उत्साह वर्धन करना, खड़े हो हम तुम्हारे साथ हैं, ये चीज तो हम कह सकते हैं। प्यारे भक्तों, हम लोगों ने जो भी सोचा उसको हम लोगों ने पूरा किया भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। इस बार कई दिक्कतें आई, कई बार मन में आया, दबाव पड़ा, लेकिन मैंने कहा नहीं, वचनबद्ध हूं, वचन दे दिया तो दे दिया, फिर वो भी भगवान के लिए, इनको दिया गया वचन। एक सांसारिक रिश्तों में हम वचन देते हैं तो उसको निभाने का प्रयास करते हैं, ये तो संसार के मालिक है। आज एक जो कार्यक्रम जो सोचा गया था राजबहादुर भैया, क्या वो होगा या होगा तो कथा के है ना, उत्सव के बाद में, ठीक है ना, उत्सव के बाद में। आज हम लोगों ने एक सुंदर कार्यक्रम हम लोगों ने एक रचना की है, किसी की प्रेरणा है और आप सबका सहयोग है, आप सबका सहयोग। तो प्यारे भक्तों, आज भागवत का कष्टम दिवस से बस अभी थोड़ी देर के बाद में हम लोग विवाह उत्सव की यात्रा प्रयास करेंगे कि लाइव में ही उत्सव हम लोग मनाएं। तो आइए चलते हैं सीधे कथाक्रम की तरफ। भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की, इसके पश्चात में रास और महारास की भागवत में कथा आती है। ये बड़ी दिव्य कथा है। कहते हैं भागवत क्या है, किसी ने पूछा कि ये भागवत क्या है, तो महापुरुष कहते हैं भगवान का साक्षात ये स्वरूप है। इस कलयुग में अगर भगवान का दर्शन करना है, इस कलिकाल में अगर भगवान से मिलना है तो भागवत कथा में आना, और भागवत कथा में आओगे ना तो भगवान से आपका दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा, भगवान से मुलाकात होगी आपकी। भगवान के द्वारा लगाया गया एक कल्प वृक्ष है, और जानते हो भगवान ने कैसे लगाया, आपको आश्चर्य होगा। सारे दुनिया के जितने माली हैं वो वृक्षों को हाथ से लगाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु ने इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष को अपने मुख से लगाया है, अपने मुख से। वांग्मयी मूर्ति, वांग्मयी स्वरूप इस भागवत कथा को बताया गया है, मुख से लगाया है। आप सोचिए जिस वृक्ष को हमारे प्रभु ने मुख से लगाया होगा वो वृक्ष कितना कितना कीमती।
कहते हैं इसमें 12 जो स्कंद हैं भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, ये क्या हैं? मुख्य कल्प वृक्ष की मुख्य 12 शाखाएं हैं, 335 अध्याय हैं, ये क्या हैं? 335 की डाले हैं, 18,000 श्लोक हैं, ये इसके पत्ते हैं। किसी ने पूछा इसका फल क्या है, सुखदेव जी कहते राजन दसम स्कंद में रास महारास के जो 5 अध्याय हैं, जिसको रास पंचाध्यायी कहते हैं, वो इस भागवत का फल है, इस भागवत का हृदय है, हार्ट है। जो व्यक्ति इसे रास और महारास, ये 2 शब्द आए हैं भागवत में, प्रभु ने पहले रास किया है और फिर महारास किया है। भगवान ने गोपिकाओं के साथ रास किया, इसके बाद में अंतर ध्यान हो गए। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी भी गोपिकाओं में ये मन में एक ये बात है कि हम स्त्री हैं और ये पुरुष है, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस दिन ये भाव समाप्त हो जाएगा, मैं और तोर एको हम द्वितीयो नास्ति, जो आत्मा जो परमात्मा आप में है, वही परमात्मा वही आत्मा हम में है। जिस दिन ऐसा भाव हो जाएगा साहब माई बाप, उसी दिन भगवान आपके साथ रास और महारास करेंगे। और इसके लिए बाबा ने लिखा है, सोई जानै जेहि देहु जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। सोई जानै जेहि देहु जनाए, हंस जीव अविनाशे, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर हंस जीव अविनाशे। भगवान कहते हैं ये जो विचार है, ये जो सोच है, ये हर इंसान के पास नहीं होती है। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है, अतिशय कृपा जाहि पर होई। लिखा पढ़ी में अतिशय कृपा, जब भगवान आपके ऊपर कृपा करने की अति कर दे, तब यह समय आता है प्रभु के साथ महारास करने का। तब यह समय आता है जब अति कृपा कर भाव दे सो मारग सोई। सबके बस की बात नहीं, 4 घंटे बैठ के कथा सुन लेना और 2 घंटे बैठ के भजन कर लेना, सोचो कि महाराज नहीं सहा, बहुत कठिन क्रिया है, बहुत कठिन क्रिया है। और जिस दिन आप रास और महाराज को समझ गए माय बाप, उस दिन फिर आपको भगवान को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन भगवान स्वयं तुम्हें समझ लेंगे, स्वयं तुम्हें समझ लेंगे। जिस दिन आपने रास और महाराज को समझ लिया, ये जो रास जो शब्द है, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये रस धातु से बनता है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कोई ना कोई रस ना हो। नहीं कोई रस होगा तो आदमी नीरस होगा। प्यारे भक्तों, चीरहरण की लीला से कथा प्रारंभ हुई। एक बार गोपिकाएं यमुना जी के जल में स्नान कर रही हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। ठाकुर जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, गोपिकाओं को उपदेश देने के लिए, उनको उनकी आंखें खोलने के लिए भगवान ने उनके वस्त्रों को चुरा लिया। और जब वस्त्रों को चुरा लिया, गोपिकाएं स्नान करने के बाद में जैसे अपने सर को बाहर निकालती हैं, देखती है कि किनारे से वस्त्र गायब है, तो हक्की बक्की हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। हाय अब क्या होगा, अगर वस्त्र नहीं मिले तो हम लोग जल से बाहर कैसे निकलेंगी, हम लोग आज अपने अपने घरों तक कैसे जाएंगे। इस भाव को देख करके भगवान कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़े बैठे थे, उनको हंसी आ गई। जब आदमी व्यर्थ में परेशान होता है,
आजकल आदमी एक समस्या अपने साथ लेकर के चल रहा है, हर आदमी एक समस्या, जानते हो कौन सी? हाँ हाँ बिल्कुल सही, मोबाइल। ये इंसान की बहुत बड़ी समस्या है, जरा सा थोड़ी देर के मोबाइल ऐसी वैसी हो जाए, आदमी ऐसे हक्का बक्का हो जाता है जैसे उसका सर्वस्व चला गया। अब बताओ ये समस्या है कि नहीं? यात्रा आपकी वही सुखमय होगी जिस यात्रा में सामान कम होगा। थोड़ा प्रयास करिए, मानव भी एक यात्रा है, बहुत अधिक सामान ना बनाइए। बहुत अधिक सामान रखोगे ना तो यात्रा में आपको दिक्कत होगी, असुविधा होगी। कुछ लोग यात्रा भी घर की तरह करते हैं, यात्रा घर की तरह नहीं, यात्रा तो बाहर की तरह करनी चाहिए। चार जोड़ी नहीं, दो जोड़ी में, चार टाइम भोजन नहीं, एक टाइम भोजन में यात्रा सुखमय रहेगी आपकी। अगर बीमार हो गए तो ना तो वहां पर आपको अपने डॉक्टर मिलेंगे, ना आपको सही इलाज मिलेगा, दिक्कत हो सकती है। हंसी आ गई गोपिकाओं ने ऊपर देखा, बड़ा सुंदर यहां दिव्य संवाद होता है भगवान कृष्ण और गोपिकाओं का, बड़ा सुंदर दिव्य संवाद होता है। थोड़ा यहां पर ये इधर रास्ता बना दो, तुम लोग पता नहीं क्या देखते हो, आदमी निकलने में दिक्कत होती है, किसी को पैर काहे पन्नी रहे उपाद दिखाते सबका। तो प्यारे भक्तों, गोपिकाओं का बड़ा सुंदर यहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ संवाद होता है, दिव्य संवाद। कथा को बहुत विस्तार न करते हुए गोपिकाओं ने अंत में ये बात कही कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। कन्हैया ऊपर से गिरते गिरते बचे, सही सही बोलो, कोई सुन लेगा तो एक भी नहीं बचेंगे। मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? सुखदेव जी कहते, राजन रास महाराज की कथा सुनने से पहले व्यक्ति को एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए। जब भगवान ने रास महाराज किया है, हमारे ठाकुर जी की उस समय जो अवस्था थी वो मात्र 9 वर्ष की थी, मात्र 9 वर्ष की। और जिन गोपिकाओं के साथ प्रभु ने रास महाराज किया है वो गोपिकाएं कोई 25 साल की, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100 साल। आप विचार करिए, किसी भी चीज के ऊपर उंगली उठाने से पहले व्यक्ति को उसको समझ लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अरे दोस्त गैरों के तुम देखते ही रहे, दोस्त गैरों के तुम देखते ही रहे, दोस्त अपने कभी भी निहारा नहीं, दोस्त अपने कभी भी निहारा नहीं, दोस्त गैरों के तुम देखते ही रहे, दोस्त गैरों के तुम देखते ही रहे, दोस्त अपने कभी भी निहारा नहीं, दोस्त अपने कभी भी निहारा नहीं। तचेनी सदा सबकी करते रहे, तचेनी सदा सबकी करते रहे, तचिनी सदा सब की करते रहे, तचिनी सदा सब की करते रहे, अपने अंदर कभी तुमने जाता नहीं, अपने अंदर कभी भी निहारा नहीं, दोस्त गैरों के तुम देखते ही रहे, दोस्त गैरों
अपने कभी भी निहारा नहीं, दोष अपने कभी भी जनों के वचन को विचारा नहीं, गुरुजनों के वचन को विचारा नहीं, दोष भैरों तुम देखते ही रहे, दोष भैरों तुम देखते ही रहे, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं, दोष अपने कभी भी कहना किसी ने बताया नहीं, फिर न कहना किसी ने बताया नहीं, दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं, अपने कभी भी निहारा नहीं, दोस्त अपने कभी भी निहारा नहीं। भक्त और भगवान की जय हो। हम सोच ही रहते अभी तक शिवम जी आज अभी तक क्यों नहीं आए, चलो भाई आ गए। चलो भैया भोले बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। देखिए जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि शुभारती टीवी चैनल एवं अमरेला केबल जो जो कि सामने भैया आपके खड़े हैं एवं पूज्य महाराज श्री के यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भागवत कथा का सीधा प्रसारण देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी दिखाया जा रहा है, और कुछ सहयोग आपके द्वारा यहाँ के द्वारा भक्तों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है एवं कुछ सहयोग हमें ऑनलाइन भक्तों के द्वारा जो हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम के माध्यम से प्राप्त हुआ है उसको आप लोग श्रवण कर लें। और एक सूचना, हमें कई फोन आ रहे हैं बाहर से कि अयोध्या की कथा का क्या कैसे क्या सिस्टम है, तो सबसे पहले तो मैं सूक्ष्म जानकारी, क्योंकि लाइव कथा चल रही है अधिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा, सूक्ष्म जानकारी। अगर आपको अधिक जानकारी अयोध्या की कथा के विषय में चाहिए तो टीवी स्क्रीन के स्क्रॉल पर हमारे
नंबर चल रहे हैं कार्यालय के, उन पर आप कॉल करके समस्त संपूर्ण जानकारी आप वहां पर ले सकते हैं। आइए हम सभी लोग कुछ सहयोग श्रवण करते हैं, उसके बाद चलेंगे पूज्य महाराज श्री की वाणी की ओर। श्री मुन्नी देवी जी जो कि आज के सह यजमान श्री राकेश पांडे जी की माता जी हैं, आपने सुंदर भगवत कथा में 1100 रुपए का सहयोग किया है, एक बार जोरदार ताली बजा करके आप उनका उच्चावर्धन करिएगा। उसी क्रम में श्री ममता एवं निलेश बहन जी जो कि हमारे मुख्य यजमान श्रीमान राज बहादुर सिंह भैया जी के बहुत अभिन्न हैं, आप इस समय लखनऊ में ना होने के कारण गोवा से 2100 रुपए का सहयोग भगवत कथा में भिजवाए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका उच्चावर्धन करिएगा। उसी क्रम में आज के जो सह यजमान हैं हमारे श्रीमान धर्मेंद्र सिंह भैया जी आज के सह यजमान हैं, उनकी तरफ से भागवत कथा में 2100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, जोरदार ताली बजा करके उनका भी उच्चावर्धन करिएगा। श्रीमान आरपी तिवारी जी जो कि जिला आवकारी अधिकारी हैं, आप मुख्य यजमान श्रीमान राज बहादुर सिंह चौहान जी के बहुत अभिन्न मित्र हैं, आज निवास पर आए और हमसे भेंट भी हुई, थोड़ी देर बैठक 5 मिनट चर्चा हुई, आपने 5100 रुपए का सुंदर सहयोग वृंदावन आश्रम निर्माण में किया है, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका उच्चावर्धन करिएगा। उसी क्रम में आज के जो सह यजमान हैं श्रीमान राकेश पांडे जी, आपने 501 रुपए सुंदर ब्राह्मणों के भोजन के लिए हमें प्राप्त किए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः उनका उच्चावर्धन करिएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से सभी को जो यजमान परिवार है उनको करना चाहिए, लेकिन अभी राकेश पांडे जी ने किया है, आगे सबसे निवेदन है कि सभी लोग शीघ्रता शीघ्र अपना नाम अंकित करवाइए। फिर उसी क्रम में हमारे मुख्य यजमान श्रीमान मानवेंद्र सिंह भैया जी की चाची जी हैं रेखा सिंह जी, आपने भी ब्राह्मणों के लिए भोजन के लिए कुछ सहयोग हमें प्राप्त किया है, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका भी उच्चावर्धन करिएगा। श्री गीता वर्मा जी जो कि आशियाना की ही निवासी हैं, आपने भी 1100 रुपए का सहयोग आश्रम निर्माण में किया है, एक बार जोरदार ताली बजा करके उच्चावर्धन करिएगा। श्री रमेश भाई जी आप न्यू दिल्ली से हैं, आपने 2100 रुपए का सुंदर ऑनलाइन सहयोग भेज करके आश्रम निर्माण में सहयोग किया है, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका उच्चावर्धन करिएगा। उसी क्रम में श्री हिमेश भाई जी आप दिल्ली से हैं, आपने भी 1100 रुपए का सुंदर सहयोग आश्रम निर्माण में किया है, जोरदार ताली बजा करके उनका उच्चावर्धन करिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि 22 मई से 28 मई विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अयोध्या की पावन धरा पर होने जा रहा है, जिन भक्तों को यहाँ से हमारे मानवेंद्र सिंह चौहान, मानवेंद्र सिंह भैया जी क्षमा करिए, असल में दो लोग यजमान हैं आपकी, चौहान और सिंह, तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो कल मानवेंद्र भैया हमारे कह रहे थे शिवम जी क्यों चौहान बनाने में अच्छे, देखिए चौहान भी बहुत अच्छे हैं आप समझ रहे ना, तो अगर आप चौहान हो जाएंगे और सिंह हो जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो लेकिन हमारे मानवेंद्र सिंह भैया जी जो कि अयोध्या की कथा में भी यजमान रहेंगे, और जिन लोगों को अयोध्या की कथा में यजमान बनना है वो कार्यालय पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन जो लोग यजमान बनना चाहते हैं वो हमारे टीवी स्क्रीन के स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अभी जैसा कि कल महाराज श्री ने आप लोगों को सूचित किया था कि कुछ वृद्ध माताओं का पूजन आज मुख्य यजमान परिवार की ओर से एवं ट्रस्ट परिवार के जो सदस्य यहाँ पर बैठे हैं उनकी तरफ से वृद्ध माताओं का पूजन अभी यहीं पर किया जाएगा ठीक 15 मिनट बाद, तो सभी से निवेदन है आप सभी लोग उसकी तैयारी कर लें, वृद्ध माताओं का पूजन पूज्य महाराज श्री के ट्रस्ट परिवार की ओर से एवं मुख्य यजमान श्री मानवेंद्र सिंह एवं राज बहादुर सिंह चौहान भैया जी की ओर से किया जाएगा। आइए हम सब चलते हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में, बोली व्यास जी महाराज की जय हो। और एक बात मैं विशेष रूप से आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस बार इस पावन भागवत कथा में जो आशियाना क्षेत्र में चल रही है जिसका लाइव दर्शन आप लोग कर रहे हो देश विदेश में, इस कथा में बाहरी लोगों ने बहुत सहयोग किया है, सबसे बड़ा सहयोग अम्ब्रेला चैनल के माध्यम से जो आप केबल पे कथा का जो आप लाइव प्रसारण आप लोग देख रहे हो, आपने फ्री अवकाश
आपने सनातन परिवार की सेवा की है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें, ये सनातन परिवार के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। मैं भैया जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि भैया जी का ऐसे ही जीवन अग्रसर होता रहे और धर्म के प्रति आप ऐसे ही जागरूक रहें। आपने एक भी पैसा नहीं ट्रस्ट परिवार से कहा महाराज जी हम सेवा करना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा सहयोग है। डॉक्टर साहब है ना, ये बहुत बड़ा सहयोग है। और इस बार सुभारती चैनल के जो डायरेक्टर हमारे श्रीमान आरपी सिंह भैया जी हैं, आपने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। 3 घंटे की कथा लाइव होनी थी लेकिन 1 घंटा उन्होंने बढ़ा करके 4 घंटे लाइव प्रसारण, ये श्रीमान आरपी सिंह की तरफ से ये दिव्य सहयोग सनातन परिवार सत्संग सेवा ट्रस्ट को प्राप्त हुआ है। उसी पैसे में आपने एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया और ये कहा महाराज जी हमारी तरफ से आपके ट्रस्ट में सहयोग होगा। तो बहुत बहुत प्यास पीड़ से आरपी सिंह भैया जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब कथा की रूपरेखा बनी, हम लोग आपस में बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, तभी डॉक्टर साहब ने सबसे पहला सहयोग इस कथा में अगर किसी का प्राप्त हुआ है तो श्रीमान डॉक्टर संजय मिश्रा जी, जिन्होंने 21,000 रुपए का दिव्य सहयोग देकर के ट्रस्ट परिवार को एक मजबूती प्रदान की और आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया। तो ये कुछ सहयोग जो कि बाहर से आए हैं लेकिन अपनों की तरह है, सहयोग जरूर बाहर से आए हैं लेकिन अपनों की तरह इन्होंने इस कथा को सजाया समारा और इस कथा को इतना विशाल स्वरूप प्रदान किया। एक बहुत बड़ा सहयोग और इस कथा में हमें एक भैया जी का प्राप्त हुआ है, जो आप ये पांडाल देख रहे हो, क्या नाम है, श्रीधर पांडे। श्रीधर पांडे जी ने आपने कहा कि भक्तों मेरा भी कुछ सहयोग, तो हम लोगों ने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम टेंट का कोई भी किराया नहीं लेंगे, बस केवल लेबर का जो खर्चा है आप वो दे दीजिएगा, बाकी टेंट का कोई भी हम किराया नहीं लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा पंडाल लगवाया था, पूछे कितने का, तो ये सब सराहनीय सहयोग है। मैं बहुत बहुत व्यासपीठ से मैं आशीर्वाद देता हूँ भैया जी को, श्रीधर पांडे जी को, कि आपने इतना बड़ा सहयोग प्रदान करके एक सनातन परिवार को नई दिशा आपने दिखाई और एक नई मजबूती आपने सनातन परिवार को प्रदान की। कल तक का आप लोगों के पास में समय है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है टीवी के माध्यम से जो भी हमारे श्रोता भक्तजन कथा का दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन श्रीधाम वृंदावन में प्रिया कांजू के बगल में आश्रम का निर्माण हो रहा है, जिस आश्रम का नाम है सत्संग सुख आश्रम। 365 दिन आपको वहां पर सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, सुंदर दिव्य वहां पर आवास भोजन आपको प्राप्त होगा। तो जिन भक्तों को आश्रम निर्माण में, ये कथा आश्रम निर्माण के लिए ही रखी गई है, तो जिन भक्तों को जो भी आश्रम निर्माण में आपको सहयोग करना हो, आप सब लोग अपना अपना दिव्य सहयोग प्रदान करके सनातन परिवार को एक नई मजबूती प्रदान करें। आइए, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में डॉक्टर संजय मिश्रा जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं सनातन परिवार सेवा ट्रस्ट के, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए आकर के आज भी वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्नेहिल वचनों से, बड़े स्नेह युक्त आपके वचन है, आपकी वाणी है, तो अपने स्नेहिल अपने मधुर वचनों से हम सबको सुंदर अभिभूत करें और सुंदर कुछ एक नई दिशा दे करके हम लोगों को अग्रसर करें, श्रीमान डॉक्टर संजय मिश्रा जी। और इसके बाद में फिर जैसा कि वृद्ध माताओं का ही होगा या पिताओं का भी, माताओं का, दोनों लोगों का होगा भाई, वही चीज है, थोड़ा हम थोड़ा पिता के फेवर में ज्यादा रहते हैं, लोग ऐसा हुआ बना दिए माँ 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 माँ, लेकिन पिता अगर माँ जन्नत है तो पिता उसका दरवाजा है साहब, इसलिए पिता को हमें नहीं भूलना चाहिए, चर्चा हम कल करेंगे। चलिए आइए डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम हम ठाकुर जी के चरणों में सत सत प्रणाम और नमन करते हैं, पूज्य महाराज जी के चरणों में अपना सादर प्रणाम करते हैं और सभी हमारे आसियाना के जितने भी निवासीगण और दूर दूर से आए सभी भक्तगण श्रोतागण
सभी को, सभी का जो है इस अपने सनातन परिवार सत्संग सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सादर अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने आप सभी को अवगत कराया और लगातार इस टीवी चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप सभी को ज्ञात हो रहा है कि ये कथा हमारे देश विदेश और कई शहरों जिलों में सीधा प्रसारण चल रहा है और हमारे कई श्रोता भक्तगण इस कथा को बहुत भाव से श्रवण कर रहे हैं और आप लोगों का भी भाव यहाँ पे बहुत अच्छा है जो इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और महाराज जी रसपान करा रहे हैं। महाराज जी के शब्दों वाणी में वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये तो ठाकुर जी हमारे जानते हैं, लेकिन जब व्यास पीठ पे महाराज जी हमारे बैठते हैं तो महाराज जी एक अलग ऊर्जा से बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं शायद ये खुद नहीं मालूम, और ये ठाकुर जी की कृपा है और व्यासपीठ की कृपा है महाराज जी हमारे महाराज जी के ऊपर और हमारे श्रोतागण भक्तगण जो इस कथा को सुन पा रहे हैं, इनके आशीर्वचनों को सुन पा रहे हैं। सिर्फ हम थोड़ा सा यही कहना चाहेंगे कि अगर एक एक मुट्ठी एक एक दाना अगर हम किसी पात्र में जमा करते हैं और लोग आके डालते जाते हैं तो कुछ दिन बाद वो पात्र जो है अपने आप भर जाता है। इसमें किसी को सोचना भी नहीं पड़ता है, अरे ये तो अभी कल तक खाली था और आज तो पूरा भरा हुआ है, ये सिर्फ आपके भाव हैं। तो इसी तरह हमारा सनातन परिवार सत्संग सेवा ट्रस्ट एक आश्रम का निर्माण आपके ही सहयोग से चल रहा है और ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है वहाँ पे, और उस आश्रम में आप सभी लोग बहुत जल्द निवास करेंगे और वहाँ पे आप वृंदावन धाम के दर्शन करेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ठाकुर जी का एक ऐसा जो उन्होंने महाराज जी को एक रास्ता दिखाया है और बहुत जल्दी हमारा ये सपना पूरा होगा। इस ट्रस्ट के माध्यम से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हमारे आसियाना वासी हैं और हमारे लखनऊ निवासी हैं, ये सब लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी, हम इसके लिए तहे दिल से आपका इस सनातन परिवार सत्संग सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपका जो है तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और ठाकुर जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे हम ऐसा अपेक्षा रखते हैं। हमारे ट्रस्ट में बहुत सारा सहयोग आप दूर दूर से आ रहा है और हम उन लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि वो लोग हमारी कथा का श्रवण कर रहे हैं और हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, सुभारती टीवी चैनल के माध्यम से और हमारे अम्ब्रेला चैनल के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे हैं, हम सभी भक्तों का धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन जो शब्द हमने कहे, एक एक तिनका भी एक मटके को कब भर देगा पता नहीं चलता है, थोड़ा सा बात पे आप लोग सभी लोग अगर गंभीर हो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा हम कितनी जल्दी आगे बढ़ गए और हमारे पीछे हम एक कदम आगे बढ़े और कारवा बनता चला गया, पता ही नहीं चलेगा कब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो हजारों की पब्लिक हमारे पीछे आ रही है, हम एक कदम बढ़े और ठाकुर जी आपको 100 कदम बढ़ाएंगे। ये हमारा इस मंच से और ये हमारा विश्वास है कि ठाकुर जी कभी और जो आपके स्थिति हो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि जो है आप हमेशा पीछे रहें, हमेशा एक कदम आगे बढ़िए, औरों से बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप 100 कदम चलेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे। और ठाकुर जी और महाराज जी कृपा आप सब पे बरसती रहे और इसी तरह हम हर साल इस प्रांगण में और इससे बड़ा भी इससे दिव्य आयोजन कराते रहें और करते रहें और आप लोग का सहयोग रहेगा तो अगले साल कथा फिर यही होगी और इससे भव्य स्वरूप मिलेगा। आप लोग चाहेंगे अगले वर्ष फिर कथा कराना, आप लोग का इच्छा है अगले वर्ष कथा सुनने की भैया जी, सबकी इच्छा है? आप लोग बहुत धीरे बोले, हाथ क्यों नहीं उठा रहे? सबकी इच्छा राजा दुनिया क्या आपका है, चुप बैठे हो आप नहीं कथा कराना चाहते हैं क्या? नहीं तो आपको भी हाथ उठाना पड़ेगा ना, जब आप सब लोग आगे बढ़ोगे तभी तो सब होगा ऐसा। तो अगले साल आप सब लोग तैयार हैं कथा कराने के लिए? नहीं, वो तो कराएंगे जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो ठाकुर जी आएंगे हमारे साथ। बस ठीक है,
ठाकुर जी सदैव आपको आगे बढ़ाएंगे और ईश्वर आप पे सदा ठाकुर जी की कृपा बनाए रखे। इसी मंच के माध्यम से इतना कह के हम धन्यवाद देते हैं, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और चूंकि समय कम है व्यास जी से कहेंगे कि आगे कथा का श्रवण करें। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। बोले भक्त और भगवान की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद। और एक महान भक्त हमारे बीच में और आज पधारे हैं जिनका बहुत बड़ा सहयोग सनातन परिवार संघ सेवा ट्रस्ट में है, हमारे श्रीमान पीयूष मिश्रा जी सीए साहब जो कि डॉक्टर साहब के ज्येष्ठ साले साहब हैं। आपने भी सनातन परिवार संघ सेवा ट्रस्ट में एक कक्ष बनवाने का आपने भी संकल्प लिया है उन्नाव की कथा में 2,51,000 रुपए दे करके। एक बार जोरदार ताली। आज वो हमारे आपके बीच में पधारे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। और एक सहयोग आपकी तरफ से और 12A और 80G आप ही के माध्यम से ट्रस्ट परिवार को सुंदर ये व्यवस्था दी गई है कि अब जो भी आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे आपको उसमें कर में छूट मिलेगी। ये भी आपकी सहयोग की एक पराकाष्ठा है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तो प्यारे भक्तों आइए कथाक्रम में चलें। भगवान ने उन गोपिकाओं को बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन के लिए हानिकारक है। गोपिकाओं ने कहा मुझे ये सब पता है लेकिन ये सब मैंने आपके लिए किया है। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम ते कुरुते नमः। मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में, जो नंद गोप का जो सुत है वो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो इसके लिए मैंने मां कात्यायनी का मैंने व्रत रखा है। प्रभो आप हमारे ऊपर कृपा करें और आप हमारे साथ रास महारास करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें, हमारे जीवन को धन्य करें। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आने वाली सर्व पूर्णिमा की रात्रि को हम तुम्हारे साथ में रास महारास करेंगे। ऐसा भगवान ने गोपिकाओं को आश्वासन दिया, गोपिकाओं को धैर्य दिया। और जब सर्व पूर्णिमा की रात्रि आई तो हमारे प्रभु दिव्य श्रृंगार करके सुंदर गोपिकाओं के साथ में रास महारास करते हैं। सुंदर दिव्य व्यवस्था बनाई गई। कहते इसी रास महारास में हमारे भोले बाबा भी माँ गौरा जी से जिद करके गोपी बन करके आए और इसी रास महारास में आकर के दिव्य प्रभु का सानिध्य प्राप्त किया। सिर पे डाले है धानी चुनरिया। बाबा आ गए रास महारास में। और बाबा कैसे आए हैं हमारा स्वरचित गीत है ये, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से। सिर पे डाले है धानी चुनरिया जा पहुंचे है गोकुल नगरिया। सिर पे डाले है धानी चुनरिया जा पहुंचे है गोकुल नगरिया। सिर पे डाले है धानी चुनरिया जा पहुंचे है गोकुल नगरिया। डाले धानी चुनरिया जा पहुंचे है गोकुल नगरिया। साथ में उनके है गौरा मैया
साथ में अंत है गौरा मैया, जा पहुँचे हैं गोकुल नगरिया। सिर्फ डाले हैं धानी चुनरिया, पहुँचे हैं गोकुल नगरिया। सिर्फ डाले धानी चुनरिया, जा पहुँचे हैं गोकुल नगरिया। आज हमारे बाबा ने श्रृंगार कैसा किया, माँ गौरा जी मांग सिंदूर से वो सजा के, नैनों में वो कजरा लगा के। मांग सिंदूर से वो सजा के, नैनों में वो कजरा लगा के। मांग सिंदूर से वो सजा के, नैनों में वो कजरा लगा के। मांग सिंदूर से वो सजा के, नैनों में कजरा लगा के। हाथ पहने गगन हो रहे श्यों मगन, हाथ पहने गगन हो रहे श्यों मगन। घर के नीचे चले हैं नगरिया, सिर पे डाले हैं धानी चुनरिया, जा पहुँचे हैं गोकुल नगरिया। सिर पे डाले हैं धानी चुनरिया, जा पहुँचे हैं गोकुल नगरिया। हरि बोल की राधे, रास बिहारी भगवान की। सखियों ने ये कौन आया, तब गौरा ने किस्सा बताया। पूछ सखियों ने ये कौन आया, तब गौरा ने किस्सा बताया। भोले बाबा साढ़े सात आठ फीट के लंबे चौड़े देव, धोती आगे का ढकते तो पीछे का खुल जाता, पीछे का ढकते तो आगे का खुल जाता। अचानक सखियों ने पूछा गौरा मैया से कि आप तो पहचान वाली हो, आप तो पता है कैलाश से आई हो, लेकिन ये बड़ी लंबी नई नवेली दुल्हन ये कौन है, क्या परिचय है इसका। पूछा सखियों ने ये कौन आया, तब गौरा ने किस्सा बताया। पूछा सखियों ने ये कौन आया, तब गौरा ने यह नाजुक चली साथ आई चली, यह नाजुक चली साथ आई चली, यह मेरी नवेली बहुरिया। सिर पे डाले है धानी चुनरिया, जा पहुँचे हैं गोकुल नगरिया। डाले धानी चुनरिया, जा पहुँचे गोकुल नगरिया। हरि बोल श्री राधे।
कन्हैया ने कहा अच्छा चोरों के हाथ चोरी, अभी बताता हूँ। तब तलक आ गए हैं बिहारी, एक झटके से चूनर उतारे। तब तलक आ गए हैं बिहारी, एक झटके से चूनर उतारे। तब तलक आ गए हैं बिहारी, एक झटके से चूनर उतारे। तब तलक आ गए हैं बिहारी, एक झटके चुनर उतारे। एका सर को कहा और एका सर को कहा और गंगा की धार, साथ में चंद्रमा की उजरिया। सर पे डाले हैं धानी चुनरिया, घन श्याम नज देख आके, लेते आना प्रभु जी यहाँ पे। बोले घन श्याम नज देख आके, लेते आना प्रभु तुम यहाँ पे। बोले घन श्याम नज देख आके, लेते आना प्रभु जी यहाँ पे। बोल घन श्याम नजदीक आके, नित्य आना प्रभु तुम यहाँ पे। सुख लागे शरम बोलो हर हर बम बम, सुख लागे शरम बोलो हर हर बम बम। बोलो नाथ शरण की ले लो खबरिया, सिर पे डाले है धानी चुनरिया। जहाँ पहुँचे हैं वो कुल नगरिया, सिर पे डाले हैं धानी चुनरिया। जहाँ पहुँचे हैं वो कुल नगरिया, सिर पे डाले हैं धानी चुनरिया। जहाँ पहुँचे हैं वो कुल नगरिया, जहाँ पहुँचे हैं वो कुल नगरिया। जहाँ पहुँचे हैं वो कुल भगवान की। यहीं पर हमारे ठाकुर जी ने, हमारे प्रभु ने भोले बाबा के एक नया नामकरण किया। जब भोले बाबा गोपी बनकर के आए तो हमारे ठाकुर जी ने भोले बाबा का नाम गोपेश्वर महादेव रखा। बोले गोपेश्वर महादेव भगवान की। जो लोग वृंदावन गए हैं आज भी गोपेश्वर महादेव का मंदिर वहां पर, बाबा आज भी दैनिक शाम को गोपी बनकर के श्रृंगार करते हैं आज भी, और इंतजार करते हैं कभी तो हमारे प्रभु आएंगे और हमारे साथ में रास महारास करेंगे, कभी तो आएंगे। प्यारे भक्तों, रास महारास के बाद में यहां पर थोड़ा सा गोपिकाओं को अहंकार हुआ और फिर राधा रानी के कहने पर गोपिकाओं ने 19 श्लोक जो कि गोपी गीत के श्लोक हैं
19 श्लोकों के द्वारा कन्हैया की प्रार्थना की, स्तुति की और पुनः कन्हैया का सानिध्य सभी गोपिकाओं को मिला और सबके ऊपर भगवान ने कृपा की। सुखदेव जी कहते राजन, तत्पश्चात में भगवान धीरे धीरे 12 वर्ष के हुए। 12 वर्ष तक कन्हैया ब्रजमंडल में रहे। 12 वर्ष तक और 12 वर्ष तक कन्हैया ब्रजमंडल में रह करके 5 चीजों का हमारे ठाकुर जी ने त्याग किया है। जैसे समाज को यह बताना चाहा, बिना त्याग के तरक्की नहीं, त्याग तो करना पड़ेगा। पहला त्याग, और देखिए कोई छोटा मोटा त्याग नहीं किया भगवान ने, बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा। सुखदेव जी कहते राजन, हमारे प्रभु ने जो पहला त्याग किया वो 12 वर्ष तक हमारे प्रभु ने सिले वस्त्र नहीं पहने, पहला त्याग। दूसरा, चरण पादुका नहीं पहनी, नंगे पैर ब्रजमंडल में घूमे। तीसरा, सोने चांदी का इत्यादि मुकुट आभूषण शरीर के ऊपर धारण नहीं किया 12 वर्ष तक। और चौथा, स्कूल नहीं गए, सेवा का भाव रखा, माता पिता की, समाज की, गुरुजनों की, गौ माताओं की सेवा की, और इन सबके आशीर्वाद से मात्र 64 दिन में हमारे ठाकुर जी ने संपूर्ण विद्या का अवलोकन कर लिया। मात्र 64 दिन में हमारे आपके जीवन को ज्ञान के साथ साथ में आशीर्वाद भी जरूरी है। प्यारे भक्तों, पांचवा त्याग, अस्त्र और शस्त्र धारण नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर कंस ने जितने भी राजसों को भेजा, भगवान ने कोई मौका नहीं दिया, सबका भगवान ने उद्धार किया। कंस ने विचार किया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने काल को मारने के लिए। अक्रूर जी को बुलाया, कंस बड़ा बुद्धिमान है, कंस को यह बात पता है कि नंद बाबा, अक्रूर और वसुदेव जी, ये तीनों आपस में बड़े प्रगाढ़ मित्र हैं, बड़े प्रगाढ़ मित्र हैं, एक दूसरे की बात काट नहीं सकते। कंस को यह बात मालूम है, अगर इनके अलावा मैंने और किसी को भेजा तो नंद बाबा विश्वास नहीं करेंगे और अपने बच्चों को, अपने बालकों को नहीं भेजेंगे। कंस ने अक्रूर को चुना, अक्रूर को बुलाया और सुंदर दिव्य धनुष के बहाने एक सुंदर पाती लिखी। पहले चिट्ठी लिखी जाती थी संदेश भेजने के लिए, संदेश देने के लिए, और चिट्ठियों का इतना महत्व होता था कि माय बाप आदमी इंतजार करता था। देखिए, सुख अभाव में है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, जीवन में जितना देखिए, भोजन की कद्र आप तब करोगे जब भूख लगी होगी। सोने का आनंद आपको तब प्राप्त होगा जब आपको नींद लगी होगी। धीरे धीरे अभाव समाप्त हो रहा है, जीवन के वो वास्तविक आनंद वो हमसे आपसे दूर होते जा रहे हैं। पहले आदमी चिट्ठी का इंतजार करता था और जब चिट्ठी आती थी तो लिखने वाला लिखते लिखते रोता था और पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते रोता था। थोड़ा पुराने दिन याद करिए, इस मोबाइल ने सब सत्यानाश कर दिया, अब कोई नहीं रोता है साहब। पहले इंसान इंसान से जुड़ता था, अब तो बस केवल चंद आधुनिकता से हम लोग जुड़े हैं। कुछ तो कम से कम हम बचा करके रखें। किसी भी वस्तु का बहुत अत्यधिक उपयोग करना भी माय बाप जीवन के लिए हानिकारक है। किसी भी वस्तु अत्यधिक उपयोग, अति सर्वत्र वर्जित, जीवन अति न करे, न साधन की न साधन देने वाले की, अति न करे। मेरा एक सूत्र है,
बहुत अधिक विकास विनाश को उत्पन्न करता है। इसलिए बहुत अधिक हम विकास की तरफ, सुख की तरफ ना दौड़े, कहीं ऐसा ना हो वो विकास विनाश का रूप ले ले, वो सुख दुख का रूप ले ले, कहीं ऐसा ना हो। प्यारे भक्तों, अक्रूर जी ने पाती ले ली, मिलने की चाह है, प्रभु के चरणार बिंदुओं के दर्शन करने की लालसा है। मेरे तो आधार है श्री श्याम के चरणार बिंदु, मिलने की चाह। रथ को कहीं रोका नहीं, सीधे वृंदावन पहुंच गए। कथा को बहुत न बढ़ाते हुए संक्षेप, कुंडी खटखटाई, रथ से नीचे उतरे, कुंडी खटखटाई, नंद बाबा उसमें घर पर थे। जैसे सामने मित्र को देखा, भाई नाथ कही पाही गोसाई, हम भूतल पर लकुटी की आई। चरणों में प्रणाम किया, अतिथि देवो भव, आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़ करके पूछा, कहो मित्र कैसे आगमन हुआ। अक्रूर जी की आंखों में आंसू भर आए, आज मैं आपका मित्र बनकर के नहीं, कंस का दूत बनकर के आया। और जैसे ये बात कही, माई बाप नंद बाबा धड़ाम से गिर पड़े। कंस का नाम सुनते ही, कंस पापी है, इस वृंदावन में कंस का क्या काम, समय से तो मैं कर पहुंचा देता हूँ, समय से उसकी सारी व्यवस्था कर देता हूँ, आज वृंदावन में ये कंस क्यों आ गया। केवल कंस का नाम सुना, इतना भय। संभल करके थोड़ा सा खड़े हुए, क्या सूचना लाए हो। अक्रूर जी ने पाती निकाली और नंद बाबा के हाथों में दिया। नंद बाबा उस पाती को देख करके रोने लगे। मित्र जानते हो, आपका मित्र पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ करके सुनाओ इस पाती में क्या लिखा है। नंद बाबा पढ़े लिखे नहीं है। अक्रूर जी ने वो पाती ले ली और एक एक शब्द को पढ़ने लगे। जैसे जैसे नंद बाबा उस पाती को सुनते, अक्रूर जी पढ़ते जाते, नंद बाबा सुनते जाते। जैसे ये सुना कि कल सुबह कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ देखने के लिए आप अकेले मथुरा भेज दीजिए, आज्ञा से मथुरा नरेश कंस। नंद बाबा डिटकार छोड़ करके रो पड़े, मूर्छित हो गए। आप मेरा गांव मांगते, हंसते हंसते दे देता, पद मांगते, संपत्ति वैभव ऐश्वर्य, यहां तक मेरे प्राण भी मांगते तो मैं देने में संकोच नहीं करता, लेकिन ये क्या, तुमने तो मेरे कृष्ण को मांग लिया जो प्राणों से अधिक प्रिय है। आप विचार करिए, वृंदावन में हमारे ठाकुर जी की क्या स्थिति होगी। आज नंद बाबा कहते हैं मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन माधव को मैं न दूंगा, मेरे यार मरते मरते नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे ये बात सारे वृंदावन में आग की तरह फैल गई। जैसे ग्रीष्मकालीन में आग फैलती है, ऐसे सारे वृंदावन में। एक दासी ने जाकर के मैया यशोदा को ये बात बोली। मैया यशोदा ने दासी के मुख पर हार रख दिया, आरी कुलमोही शुभ शुभ बोल, ये कहने से पहले तू मर क्यों नहीं गई, तेरी जबान कट करके गिर क्यों नहीं गई। दासी रोने लगी, मालकिन अगर मेरे मरने से, मेरी जबान कट करके गिरने से अगर ये बात झूठी हो जाए, मालकिन मैं अपने सौहर अपने सुहाग की कसम खा करके मैं सत्य कहती हूँ, एक बार नहीं सौ बार नहीं, अपने कन्हैया के लिए हजार बार मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ये बात झूठी हो जाए, लेकिन मालकिन क्या करूं, जो आंख देख सकती है वो सुन नहीं सकती, जो कान सुन सकते हैं वो बोल नहीं सकते। इन आंखों ने जो देखा है, इन कानों ने जो सुना है, इस बाणी ने वही बोला है मालकिन, ये सत्य है। मैया यशोदा ने पूरी बात नहीं सुनी, दौड़ पड़ी, माँ यशोदा गिर पड़ी, फिर उठी, फिर दौड़ी, माँ के
वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, केश खुल गए। मैंने एक दिन कथा में कहा था, घर के अंदर महिलाओं का श्रृंगार सुख समृद्धि को बताता है। इस घर की सुख समृद्धि कितनी है। कभी भी महिलाओं को घर में अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए। नीत कहती है, भागवत कहती है, कुछ श्रृंगार ऐसे हैं, कभी भी उन अंगों को उन श्रृंगारों से विहीन ना करें, घर की सुख समृद्धि नष्ट होती है। माताओं के कुछ अंग हैं, पैर कभी सूने नहीं होने चाहिए, पैर की उंगलियां कभी सूनी नहीं होनी चाहिए, माताओं का गला कभी सूना नहीं होना चाहिए, माताओं के हाथ कभी सूने नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसे श्रृंगार हैं जो माताओं को 365 दिन करना चाहिए। आज वो माँ यशोदा के सारे श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गए। माँ को लगा कि कुछ वृंदावन में अनहोनी होने वाली है। मैया यशोदा दौड़ करके गई इधर, जो जैसा जहां सुनता उस काम को वहीं पर छोड़ देता, क्योंकि भगवान कृष्ण से बढ़ करके ब्रजमंडल में किसी का और कोई काम नहीं है। सबसे बड़ा काम है कृष्ण कन्हैया, हर लोगों की जुबा पर है साहब। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक सब कृष्ण के विषय में ही सोचते हैं। मनुष्यों की बात जाने दीजिए साहब, जब गऊ और बछड़ों को यह सूचना मिली तो गऊ माताएं और बछड़े अपने अपने खूंटों को उखाड़ करके रंभाते हुए नंद बाबा के द्वार की तरफ दौड़ पड़े। आप सोचिए, जहां पर पशुओं का ये हाल है, जीव जंतुओं का ये हाल है, वहां पर इस मानव का क्या हाल होगा। मैया यशोदा अपने नाम स्वामी नंद जी के पास गई और कहा, स्वामी जो आपने कहा, जो मैंने दासी के मुख से सुना, क्या वो सच है। नंद बाबा कुछ नहीं बोले, क्योंकि नंद बाबा को ये बात पता है कि मैं तो कृष्ण के बिना रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा को ये बात मालूम है कि कृष्ण हमारा नहीं, कृष्ण हमारा नहीं, वसुदेव का बेटा है। ये बात नंद बाबा को पता है, लेकिन मेरी यशोदा ये बात नहीं जानती है। तो कृष्ण के बिना मर जाएगी। वो कृष्ण के बिना नहीं रह पाएगी। नंद बाबा इसलिए चुप है, कुछ नहीं बोले। मैया यशोदा ने आंखों में आंसू भर करके कहा, स्वामी आप बोलते क्यों नहीं, आप शांत क्यों हैं। नंद बाबा इतने पर भी नहीं बोले। अब तो मैया यशोदा ने नंद बाबा के दोनों कंधों को पकड़कर झकझोर दिया, स्वामी आप बोलते क्यों नहीं, कहीं आपकी ये खामोशी मेरे प्राण ना ले ले, स्वामी आप बोलते क्यों नहीं। नंद बाबा इतने पर भी नहीं बोले। कुछ चीजें व्यक्ति को बाहर नहीं निकालनी चाहिए, कुछ चीजें जीवन की ऐसी हैं जिनको व्यक्ति को अपनों से छिपा करके रखना चाहिए। आज तक नंद बाबा ने ये बात छिपा के रखी कि कृष्ण, नंद बाबा को ये बात पता है, लेकिन यशोदा को ये बात नहीं बोली कि कृष्ण मेरा अपना बेटा नहीं, वो तो वसुदेव का बेटा है। ये बात नंद बाबा ने यशोदा को कभी नहीं बोली। ये भागवत शिक्षा देती है, शास्त्र हमें बताते हैं, झूठ नहीं बोलना, लेकिन छिपाने में दोष नहीं है। ये बात रावण ने मंदोदरी से कही थी। प्यारे भक्तों, मैया यशोदा ने नंद बाबा का हाथ अपने सर पर रखा, स्वामी आपको मेरी सौगंध, बताइए आखिर बात क्या है, आप बोलते क्यों नहीं। आज जब अपनी प्रिया ने अपनी सौगंध दे दी तो नंद बाबा मजबूर हो गए। आप कैसे छिपाए, आप कैसे, गला रुंध गया, आंखों से सुधारा बह चली, होंठ फड़फड़ाए, हाँ यशोदे, हाँ प्रिय,
जो तूने सुना है वो सच है। कल सुबह होते ही हम सबके आंखों का तारा, हम सबके दिल का प्यारा, हम सबके जीवन का रखवाला कृष्ण हम सबको छोड़कर चला जाएगा। मैया यशोदा ने कान पर हाथ दिए, नहीं स्वामी कह दो ये सब झूठ है, स्वामी कह दो ये सब झूठ है। नंद बाबा ने कहा, यशोदे झूठ को तो सत्य साबित किया जा सकता है, लेकिन सत्य को झूठ नहीं साबित किया जा सकता है। आदमी लाख प्रयास कर, सच्चाई छिप नहीं सकती है साहब। मैया सोदा ने पूरी बात नहीं सुनी, समझ गई स्वामी ने जो कह दिया वो सत्य होगा। दौड़ पड़ी मैया सोदा और दौड़ करके उस आंगन में गई जिस आंगन में ठाकुर जी खेल रहे थे। बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, मां के लिए वो बेटा ही रहता है। इस जीवन में एक मां का एक संबंध ऐसा है जो अपने बच्चे के लिए भगवान से भी टकरा जाती है, भगवान से भी लड़ जाती है। एक मां आज लाला को गोद में उठा लिया, बार बार मुख चूमने लगी। लाला मैं तुमसे पूछती हूं, क्या कल सुबह होते तुम चले जाओगे? जैसे ये बात मैया यशोदा ने कही, लाला ने कहा, नहीं मां थोड़े दिनों की बात है, तेरा लाला जाएगा और फिर वापस। मैया यशोदा ने लाला के मुख पर हाथ रख दिया, नहीं लाला जाते वक्त झूठ नहीं बोलते, जाते वक्त झूठ नहीं बोलते। कन्हैया ने कहा, मां धैर्य धारण करो। मैया यशोदा ने कहा, कैसे धरो मन धीरा, हमार दोनों हीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमार दोनों हीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमार दोनों हीरा चले गए। कैसे हमारे दोनों हीरा चले गए, हीरा चले गए, पन्ना 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 चले गए। धरो मन धीरा, हमार दोनों हीरा चले गए। धरो मन धीरा, हमार दोनों हीरा चले गए। वनमद कंटक मार्ग कठिन है, वनमद कंटक मार्ग कठिन है, वनमद कंटक मार्ग कठिन है, वनमद कंटक मार्ग कठिन है। आ पर तपत समीरा, हमार दोनों हीरा चले गए। आ पर तपत समीरा, हमार दोनों हीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमार दोनों चले गए। दोनों मथुरा चले गए, श्याम बलराम दोनों मथुरा चले गए, श्याम बलराम दोनों मथुरा चले गए, श्याम बलराम दोनों मथुरा चले गए। रन धीरा, हमार दोनों हीरा चले गए।
तेरा हमार दोनों कैसे करो मन तेरा हमार दोनों हीरा चले गए कैसे करो मन तेरा हमार दोनों हीरा चले गए ब्रज की आशा दुख वियोगी ब्रज की आशा यत वियोगी ब्रज की आशा वियोगी ब्रज की आशा मन राखत यद मेरा हमार दोनों हेरा चले धरो मन तेरा हमार दोनों हीरा चले गए धरो मन तेरा हमार दोनों हीरा चले गए। भैया सौदा ने लाला को समझाया जाते वक्त झूठ नहीं बोलते। माय सौदा लाला को रसोई घर में लेकर के गई, बोल लाला तू क्या खाएगा, प्रभु आज कुछ नहीं बोले। मैया सौदा जानती हैं कि जब मुझे इतना लाला के जाने का दुख है तो लाला को भी तो घर से जाने का दुख होगा। आज मैया सौदा ने लाला से दोबारा नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। हर माँ को यह पता होता है कि हमारे बच्चे की च्वाइस क्या है, हमारे बच्चे की पसंद क्या है, माँ को तो ये पता होता है साहब। आज मैया सौदा ने दूध दही माखन मिश्री तैयार किया और दूध दही माखन मिश्री तैयार करके आज सुंदर दिव्य लाला को खिलाने लगी। जैसे पहला कौर उठाया प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, नहीं माँ तूने मेरी बहुत सेवा की है, अब कुछ मेरी भी जिम्मेदारी तेरे प्रति बनती है। आज हमारे प्रभु ने खाया नहीं, अपने सबसे प्रेमित सीदामा को बुलाया और सीदामा को बुला करके आज हमारे प्रभु ने अपनी माँ का हाथ सीदामा के हाथों में दिया। मित्र मेरी माँ का ध्यान रखना, मेरी माँ बहुत भोली है, वो जब तक खिला नहीं देती तब तक खाती नहीं है, जब तक सुला नहीं देती तब तक सोती नहीं है। रो पड़े प्रभु। मैया सौदा ने कहा लाला तू और कितना दुख करेगा, कितना दुखी करेगा। ये जीवन सुख दुख की छाया है, जीवन में कभी अगर सुख है तो कभी दुख भी है, स्वीकार करना चाहिए, हंस के स्वीकार करना चाहिए हंस के जीवन। आज मैया सौदा ने कहा लाला आज मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। आज तक वो बात मैंने किसी से नहीं बताई लेकिन आज वो बात मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। कौन सी ऐसी बात है माँ जो तूने मुझसे छिपाई। आज मैया सौदा ने कहा लाला तू क्या समझता है, माना कि मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, जाहिल हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे ज्ञात है, इतना मुझे पता है कि तू मेरा अपना बेटा नहीं। आज के 12 वर्ष पूर्व वो भादों की रात, वो अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष बुधवार का दिन रात्रि 12 बजे जब तेरे पिता वसुदेव जी टोकरी में बिठा करके जब तुझे लेकर के मेरे पास आए। दुनिया कहती है मैया सौदा सो रही थी, नहीं लाला तेरी माँ सो नहीं रही थी बल्कि पलके बिछा करके अपने लाला का इंतजार कर रही थी, सो नहीं रही थी। मैं जानती हूं लाला तू मेरा अपना बेटा नहीं, तू तो देवकी का बेटा है। आज जैसे ये बात मैया सौदा ने कही
हमारे प्रभु टिटकार छोड़ करके रो पड़े, माँ को हृदय से लगा लिया। आज मैया सोदा ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, लाला इन 12 वर्षों में तेरे लाड़ प्यार में, तेरे लालन पालन में, तेरी सेवा में अगर कोई कमी रह गई हो तो बेटा इस दासी माँ को, इस नौकरानी को क्षमा कर देना। आज जब ये बात मैया सोदा ने कही, सुखदेव जी कहते हैं पूरी दुनिया को गीता का उपदेश करने वाला, धैर्य की शिक्षा देने वाला, आखिर उसके भी तो सीने में दिल है साहब, आखिर ये भी, इसका भी तो दिल धड़कता है। माना कि वो गीता का उपदेश करता है, दुनिया को धैर्य की शिक्षा देता है, लेकिन फिर भी साहब मेरे ठाकुर जी का भी दिल किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए धड़कता है। आज कन्हैया ने मां से कहा, मां ये तूने कैसे कह दिया, जिनको मां बाप पराया कर देते हैं वो फिर सारे संसार के पराये हो जाते हैं। जीवन में हर बद्दुआ से आपको भगवान बचा सकते हैं साहब, लेकिन मां बाप की बद्दुआ से आप बच नहीं सकते। भगवान न करे जीवन में कभी माता पिता को मजबूर होना पड़े अपनी औलाद को कुछ कहने के। जीवन में ऐसे कार्य कभी मत करना, मेरी प्रार्थना है। इस दुनिया में सबसे बड़े हितैषी हैं वो आपके माता पिता, इस धरती पर उनसे बढ़कर के आपका हितैषी इस धरती पर आपका अपना कोई नहीं है साहब। 4 दिन की दोस्ती, 4 दिन का साथ, माई बाप जैसे जल्दी आता है वैसे ही जल्दी जाता भी है। जीवन में कुछ रिश्तों को समझना। आज कन्हैया ने मां से कहा, मां जीवन में कभी ये मत कहना। मैया सोदा ने कहा, चलो लाला मैं तुम्हें सुला दूं। मैया सोदा ने कहा, लाला आज तक मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं, आज पहली बार कुछ कहना चाहती हूं। करेगा सरकार माँ की गोद से खड़े हो गए, माँ तू कहे तो ब्रह्मांड को एक धागे में पिरो करके तेरे गले की शोभा बना दूं। माँ तू कहे तो चांद सूरज तारों को ला करके तेरी गोद सजा दूं। माँ तू कहे तो सारी धरती के इंसानों को ला करके तेरे चरणों में झुका दूं। माँ गाने का नहीं लाला, एक माँ को ये कुछ नहीं चाहिए बेटा, माँ तो माँ होती है साहब, इसीलिए माँ में दूसरा शब्द नहीं है, एक ही शब्द है। माँ से बड़ा कोई नहीं सा, कब समझेंगे हम। अभी हम लोगों ने उन्नाव की कथा में एक नया गीत बनाया था, पूरा गीत तो नहीं सुनाएंगे, कल सुनाएंगे, लेकिन पंक्तियां हैं। माता पिता है तो सारा जहां है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। माता पिता है तो सारा जहां वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। माता पिता है तो सारा जहां है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। इनकी कृपा बिना मिलता नहीं कुछ, अटल सत्य है ये बिल्कुल सही है। उनकी कृपा बिना मिलता नहीं है, अटल
मन सत्य है ये, बिल्कुल सही है। माता पिता है तो सारा जहां है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। जीवन में इसीलिए शायद भगवान ने मां के शब्द में कोई दूसरा शब्द नहीं जोड़ा, वनली वन पीस है साहब, वनली वन पीस। मां के जैसा दुनिया में कोई नहीं। पत्नी में शब्दों को जोड़ दिया, पिता में शब्दों को जोड़ दिया, लेकिन मां को सिंगल रखा साहब, मां को अकेला रखा। जैसे समाज को बताना चाहते हो, मां से बढ़कर के संसार में आपका अपना कोई नहीं। तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल पे पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रख तुझे पलक तले पूजा तेरी करूं, रख तुझे पलक तले पूजा तेरी करूं, तेरी सिवा तू ही बता संगली मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। आइए वो कार्यक्रम होना है बेटा, चलो बैठा लो ना, बैठा लो सब। ओ बाबूजी को हेलो, अग्रवाल जी को। प्यारे भक्तों, जीवन में जो वर्तमान में आज आपके माँ बाप जी रहे हैं, कल वो भविष्य आपका है, इस सोच करके जीना। अगर आज उनके तुमने दिल को दुखाया है तो कल आपके बच्चे जब आपके दिल को दुखाएं उस समय पछताना मत, प्रायश्चित की अग्नि में जलना मत। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी साहब। दुर्भाग्य यह है हम इन रिश्तों की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक ये हमारे सानिध्य में, जब तक हम इनके साथ जीते हैं, उठते हैं बैठते हैं, इनके न रहने की बात पता चलती है, पता चलता है कि आखिर रिश्तों का इनका मूल्य क्या है। ये तो अमूल्य है साहब। आज कन्हैया ने माँ से कहा, माँ
आज हमारे प्रभु ने, आज मैया यशोदा ने कहा मैं तेरे गोद में सर रख के सोना चाहती हूँ, 12 वर्ष हो गए मुझे जागते हुए, मैं आज तक सोई नहीं, लाला आज मैं तेरे गोद में सर करके सोना चाहती हूँ, आज मैं तुझे नहीं बल्कि तू मुझे थपकी देगा और तू मुझे लोरी सुनाएगा। आप विचार करिए साहब, जिसके लिए सारी दुनिया गाती है, पूरा विश्व जिसके लोरी सुनाता है, भजन सुनाता है, आज वो भगवान अपनी माँ के लिए लोरी सुना रहा है। साहब ये कथा कुछ तो बताती है कि भगवान ने जब अपनी माँ का इतना सम्मान किया तो हम आप नहीं उतना कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, ना सम्मान करो कोई बात नहीं, कम से कम अपमान ना करो, कम से कम उनको अपने हालात में जीने दो, इतनी प्रार्थना है साहब, ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन वो जिसमें खुश हो कम से कम उनको अपनी खुशी में तो जीने दो। आज हमारे कन्हैया लोरी सुनाने लगी, अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता ममता, अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ होती, तो ममता मई माँ होती, अगर मान ममता ममता, अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ होती, तो ममता मई माँ होती। माता पिता की विशेष सूचना, कुछ ही क्षणों में लाइव प्रसारण बंद हो जाएगा क्योंकि 8 बजने वाले हैं। जो भक्त लोग देश विदेश में टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, श्री राधे परिवार यूट्यूब चैनल जो कि आपका अपना चैनल है, श्री राधे परिवार यूट्यूब चैनल को सर्च करें और कथा को लाइव दर्शन करें। आया परी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या परी है हम तुम्हें मनाए, हमारा तो हक है कि हम रुक जाए, हमारा तो हक है कि हम रुक जाए, हमें क्या परी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमारा तो हक है कि हम रुक जाए, हमारा तो हक है कि हम रुक जाए, अगर माँ मनाने मनाने, अगर माँ मनाने आई न हो। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। जुड़िए चैनलों की भीड़ में एक सच्चे धार्मिक एवं राष्ट्रवादी चैनल के साथ, देखिए सुभारती, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार तथा राष्ट्रवाद का अनोखा संगम।